أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون. हमारी बात और गुफ्तगू इमामत और उम्मत के उन्वान से है। इमामत और उम्मत का उन्वान मुख्तसात कुरान मजीद में से है, यानी कुरान मजीद ने सबसे पहले हमें इन दो मफाहीम और इन दो अनावीन से मुतारफ करवाया है। और ये दोनों उनवान दो हकीकतों से पर्दा उठाते हैं और दो हकीकतों की तरफ हमारी रहनुमाई करते हैं। एक हकीकत बिना में इमामत और एक हकीकत बिना में उम्मत, और दोनों एक दूसरे से मरबूत और एक गहरे और अमीक रिश्ते में एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं, जिसको ताबीर किया जाता है कि इनका आपस में चोली दामन का साथ है। यानी इमामत उम्मत के बग़ैर और उम्मत इमामत के बग़ैर एक अधूरा तसव्वुर है और नाकिस तसव्वुर है। इमामत को इंसान फ़र्ज़ करे और उम्मत का तसव्वुर ना हो, जैसा कि उम्मत को इंसान फ़र्ज़ करे और इमामत का तसव्वुर ना हो। कुरान मजीद की बहुत सारी आयात हैं जिनमें मुस्तकिल तौर पर इमामत को मतरा किया गया है और इमामत को बयान किया गया है, कि इंशाअल्लाह असनाए बास में उन आयात की तरफ रुजू होगा और उनके अंदर जो खसूसियात बयान की गई हैं वो भी मुलाहज़ा होंगी। इसी तरह बाज़ आयात में क़ुरान मजीद ने उन्वान उम्मत को बयान फरमाया है, और ये आयात भी कम नहीं हैं। बहुत सारी आयात हैं कि इंशाअल्लाह असनाए बास में इनकी तरफ भी इशारा होगा। एक लिहाज से आप यूँ कह सकते हैं कि फ़िल वक्त हमारी बास इमामत और उम्मत के कुरानी तसव्वुर में है। कुरान की नज़र में इमामत और उम्मत का क्या तसव्वुर पाया जाता है? हकीकत में हमारी बास ये है, अगरचे हम कुरान की तफसीर के लिए दूसरे मनाबे से भी मुमकिन है मदद लें, लेकिन बुनियादी तौर पर ये उन्वान और ये मौजू कुरान के हवाले से आपकी खिदमत में बयान होगा। अगर हम इस मौजू के अंदर एक मंतकी तरीके से वारिद हों, ताकि एक मतलूब और अच्छा नतीजा भी इस गुफ्तगू से हम ले सकें, उसके लिए हमें फिर कुरान ही की रहनुमाई की ज़रूरत है। अब ये नुक्ता के किसी मौजू में कैसे दाखिल हुआ जाता है, अमली तौर पर तो आपने मुशाहदा किया, जो मौजूआत आपकी खिदमत में बयान करने का मौका मिला है, तौफीक हुई है अपने इस नाकिस बयान के साथ और नाकिस ताबीरों के साथ। मालूम नहीं किस हद तक मुझे तौफीक हासिल हुई है अपना मकसूद आपके सामने वाज़ेह और रोशन बयान करने के लिए।
ये अब आप बेहतर फैसला कर सकते हैं कि कौन से मौजूआत कामयाबी के साथ बयान हुए हैं या नहीं हुए, लेकिन कोशिश होती है कि जिस मौजू में भी दाखिल हुआ जाए, जो उसका मंतिकी रास्ता है उसके ज़रिए से उसमें दाखिल हुआ जाए। एक नुक्ता कल की गुफ्तगू में अर्ज़ किया था कि हर मौजू मुख्तलिफ ज़ावियों से उसको देखा जा सकता है। अभी ये नुक्ता जो आपकी खिदमत में अर्ज़ हो रहा है वो ये कि जिस ज़ाविये से भी आप जिस मौजू में दाखिल हों वो मंतिकी दुखूल होना चाहिए, मंतिकी वरूद होना चाहिए आपका उसमें, गैर मंतिकी बेडंगा दुखूल नहीं होना चाहिए, वरूद नहीं होना चाहिए। आप जैसे किसी घर में जाना चाहते हैं, किसी कमरे में दाखिल होना चाहते हैं, दरवाजे से जाएंगे। एक तरीका तो यह है कि इंसान दरवाजे से ना जाए, किसी खिड़की से, किसी रोशनदान से जाने की कोशिश करे। ये तो सिरे से गलत तरीका है। अक्सर यूं होता है कि हम दरवाजे से ही जाना चाहते हैं, लेकिन दरवाजे से जाने के भी मुख्तलिफ अंदाज हैं। बाज़ मुअद्दबाना और महज़बाना अंदाज हैं और बाज़ बहुत ही बेढंगे अंदाज हैं। आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात ऐसे लाओबाली किस्म के लोग या जवान, मसलन बाज़ औक़ात ज़्यादा जो आदाब का लिहाज नहीं करते, ख्याल नहीं करते, दरवाजे से ही जाते हैं लेकिन बहुत ही बेढंगे अंदाज में जाते हैं, गैर मंतकी तरीके से जाते हैं। मौजूआत भी यही हैं, उलूम भी यही हैं, मआरिफ भी ऐसे ही हैं। अगरचे हम एक ख़ास दरवाजे और एक जाविये से उनके अंदर झांकते हैं, लेकिन उस झांकने के लिए हमें वो मंतकी अंदाज अपनाना चाहिए और मंतकी तरीके से उसके अंदर हम जस्तजू करें, बहस करें, गुफ्तगू करें, ताकि एक मुनासिब मंतकी नतीजा भी आखिर में हम उससे ले सकें। अब जो मैं मंतकी की मैं रिट लगाई हुई है और आपके सामने दोहरा रहा हूँ, खुद मंतकी जुमले से आपके जहन में क्या तस्वीर आती है? मंतकी से मुराद यानी अकलानी तरीका, ऐसा तरीका जो अकल को पसंद हो, उकला को पसंद हो, जिसको हम कहते हैं ना माकूल, माकूल अंदाज में बोलना। ये बड़ा माकूल आदमी है, इसकी बात बड़ी माकूल है। इस माकूलियत से जो कुछ आप समझते हैं मंतकी कहने से मकसूद वही है। माकूल बात करें यानी मंतकी बात करें, चूंकि मंतकी बात हमेशा माकूल बात होती है, माकूल बात को ही हम कह रहे हैं मंतकी होना चाहिए। किसी मौजू में भी माकूल अंदाज से उसको छेड़ना चाहिए और माकूल नतीजा लेने के लिए जरूरी है ये। माकूल तरीका क्या होता है मौजूआत में दाखिल होने का? माकूल तरीका ये है कि हर मौजू और हर गुफ्तगू उससे पहले कुछ मरबूत मुकदमात, कुछ ऐसी तमहीदात, उसको समझने के लिए एक फ़ज़ा चाहिए, हमें ज़हनी एक फ़ज़ा चाहिए। जब तक वो ज़हनी फ़ज़ा ईजाद ना हो जाए, कोई भी मौजू आप छेड़ें वो मौजू खाम होगा और वो मौजू उस फ़ज़ा के बग़ैर कभी भी अपना असर नहीं दिखा सकता, क्योंकि हर कलमा उसका एक मुनासिब जगह होती है। उस जगह से उसको हटाकर आप सिर्फ अलग थलग करके उसको आप निगाह करें, उसकी सारी हैसियत ख़त्म हो जाती है, उसकी माकूलियत सारी ख़त्म हो जाती है। आप मसलन जाएं इस कमरे में निगाह करें, ये पंखा आपको दीवार के साथ जो नस्ब नज़र आता है अच्छा भी लगता है, एतराज़ भी किसी ने नहीं किया, समझ भी आता है कि क्यों लगा हुआ है। लेकिन यही पंखा आप जाकर रोड पर लटका दें किसी जगह, हर आदमी के जहन में सवाल उठेगा कि ये क्यों है भाई, किस मकसद के लिए, किसने लगाया है ये, किस गैर माकूल आदमी ने यहाँ पर ये गैर माकूल हरकत की है कि यहाँ रोड में आके उसने पंखा लटका दिया है। हर आदमी सवाल ईजाद करेगा, लेकिन यहाँ जिस मजमूए में ये लगा हुआ है अपनी जगह अपने मकाम पर, यहाँ देख कर किसी के जहन में सवाल नहीं होता कि क्यों लगा हुआ है, चूंकि ये सारा मजमूआ खुद बताता है कि क्यों लगा हुआ है, मकसद क्या है इससे। सवाल, बहुत सारे सवालों का जवाब इसने दे दिया, यानी इसका अपने असली मकाम पर होना खुद बहुत सारे सवालों का जवाब है।
इसी तरह गुफ्तगु भी है, इबारतें भी हैं। कुरान मजीद की एक आयत बीच में से आप उठा लें, एक कलमा बीच में से आप उठा लें और उसको लोगों के सामने पेश करें, 101 सवाल उठेगा, 1001 सवाल उठेगा उसके बारे में। जी जी, क्या मतलब है, क्या माना है इसका, क्यों है ये इस तरह से। लेकिन वही कलमा जिस फजा में रखा हुआ है, जिस सियाक में रखा हुआ है, जिस तरतीब में आया हुआ है, उससे पहले और उसके बाद के सारे हिस्से मिला के अगर किसी को दिखाएं, आपको खूबसूरत भी लगेगा, हसीन भी लगेगा और बामाना भी नजर आएगा ये कलमा। दूसरी मिसाल दूं, आप देखें मसलन चेहरा एक इंसान का, किसी का भी चेहरा हो, मर्द का हो, औरत का हो, बच्चे का हो, बूढ़े का हो, इंसान का चेहरा हो, इस चेहरे में से एक चीज आप उठा लें या बाकी चेहरे पर कपड़ा डाल के सिर्फ एक खास उज्व की तरफ आप निगाह करना शुरू करें। मसलन फर्ज करें कि आप तमाम चेहरे पर कपड़ा डाल के नाक खुला छोड़ दें बीच में से, काट के कपड़े को, किसी के जिस ऑपरेशन के लिए करते हैं ये, बाकी बदन पर कपड़ा डाल दिया जाता है, वो असली उज्व जिसका ऑपरेशन मकसूद होता है उसको खुला छोड़ देते हैं। आप भी यही काम करें कि कपड़े का बीच में से सुराख करके एक मास्क और बाकी चेहरा छुपा के नाक बाहर रहने दें। अब उस नाक में झांकें, आप गौर से देखें उस नाक को, करीब होके देखें, दूर होके देखें, आप असलन कोई अच्छा मंजर नहीं पेश हो रहा, तनहा नाक है, बाकी सारी चीजें आंखें, होंठ, गाल, पेशानी सब छुपे हुए हैं, सिर्फ नाक है सामने पर्दे से बाहर आया हुआ। ये नाक इतना बुरा लग रहा है, वही नाक जो चेहरे पर था, तमाम चेहरे पे जब निगाह करें ज़िमनन नाक पे भी निगाह पड़ती थी, ये नाक इस वक्त हसीन लगता है। अगर नाक ना हो तो चेहरे में खूबसूरती नहीं होती, लेकिन बाकी चेहरा छुपा के सिर्फ नाक दिखाया जाए, कोई इसको देखने के लिए तैयार नहीं है। हर आदमी को चेहरे पर नाक चाहिए सजा हुआ, लेकिन दूसरे तमाम आज़ा के साथ, आंखें भी हों तो नाक अच्छा लगता है, होंठ हों तो नाक अच्छा लगता है, पूरा चेहरा हो तो एक फजा चाहिए इस नाक को, ताकि अपनी खूबसूरती आपके सामने पेश कर सके। अगर वो फजा उससे ले लें, उस नाक से, ये नाक बहुत ही बुरा लगेगा हर इंसान को, देखने के काबिल भी नहीं है, लिहाजा कोई देखता भी नहीं है इसको। इसी तरह कुल जहान को आप देखें, हमें जो बास चीजें बीच में लगती हैं कि ये गलत हैं या ये चीजें नहीं होनी चाहिए, इस वजह से है कि हम उस फजा से काट के उस जुमले को देखते हैं, उस कलमे को जो पूरी इबारत में दर्ज है, हम बाकी इबारत को काट के सिर्फ उस कलमे को जब देखते हैं तो उसके मानी नहीं समझते, ये क्यों है। बहुत सारी चीजें जो हमें समझ में नहीं आती। आप आए पूरे शहर में, कुछ भी ना दिखाएं किसी को, सिर्फ ले जाएं सेंट्रल जेल दिखाएं उसको, कराची की, उसके जहन में सवाल होगा भाई ये क्यों बनाया इन्होंने, इसकी जरूरत क्या थी। लेकिन जब आप एक आदमी को पूरा शहर दिखाएं और फिर उसमें जेल हो, थाना हो, अब नहीं पूछेगा आपसे ये क्यों बनाया आपने थाना, क्यों कि उस फजा में जिसमें ये बना हुआ है, उस फिजा में आपने उसको दिखाया है। लिहाजा अब हमारे जहन में ये कि खुदा ने जहन्नम को क्यों पैदा किया, खुदा ने शैतान को क्यों पैदा किया, खुदा ने फलां चीज को क्यों पैदा किया, ये इस वजह से कि जिस फजा में खुदा ने उनको पैदा किया है, हम उसी फजा में उनको रख कर नहीं देखते, बल्कि उनको बीच में से उठाकर अलग करके देखते हैं, उनका फलसफा समझ में नहीं आता ये क्यों। लेकिन जिस माहौल में खुदा ने उनको जगह दी है कि आपका मकाम यहां है, दूसरे मौजूदात के साथ मरबूत करके उनकी खिलकत खुदा ने बनाई है, उन मौजूदात के साथ मिला के हम भी देखें तो हमें बहुत भले लगेंगे, ये बहुत खूबसूरत लगेंगे, बहुत जीवा और हसीन लगेंगे ये। बस ये एक काम है जो हम गैर मंतकी मुलाहजा है हमारा, देखने का अंदाज गैर माकूल है हमारा। हर चीज को जब आप देखते हैं उसको पूरी फजा में देखें आप, वरना आप कहें जी ये नाक बहुत उभरा हुआ है, ये यूं है, ये यूं है, इसके सुराख हैं, इसके अंदर यूं है, इसके बाहर यूं है, बस इसको कटवा दें जाकर, आपने सारे चेहरे का हुलिया बिगाड़ दिया। क्यों कि फकत तवज्जो नाक पे रखी आपने, लेकिन यही नाक
बहुत भला मालूम होता है जब पूरे चेहरे पे सजा हुआ नजर आए, बल्कि चेहरे की रौनक का भी सबब बनता है, खूबसूरती का सबब बनता है ये। इसी तरह आप हर चीज को, जिस चीज को आपने देखना है, उसके अपने मकाम में उसको देखें। माकूल तरीका, मंतकी तरीका अशिया को मुलाहजा करने का, देखने का यही है कि हर चीज को आप उसके अपने मकाम में रख कर देखें। उससे उठा के देखेंगे उसके बारे में सही फैसला करने के काबिल नहीं होंगे आप, हमेशा गलत फैसला करेंगे, या मुबालगा शुरू कर देंगे, या फिर उसको अपने मकाम से नीचे गिरा देंगे। हक अदा नहीं होता किसी चीज का जब तक उसको उसी फजा में रख कर हम उसको मुलाहजा ना करें। कभी इंसान के जहन में सवाल उठते हैं, कभी इनकार पे नौबत पहुंचाती है, और कभी इंसान शुबहात में पड़ जाता है, शकूक में पड़ जाता है। बस देखा आपने कि हम उलूम हों या मौजूदात हों या अशिया हों या इंसान हों या इंसानी आज़ा हों या अल्फाज हों या इबारतें हों, आप एक शेर को देख लें, अगर एक गज़ल है, अगर एक मजमुआ है, कसीदा है, कोई भी चीज़ है, उसमें से एक मिसरा उठा के आप उस पर गौर करना शुरू कर दें और उसका पहले का हिस्सा और बाद का हिस्सा छोड़ दें आप, वो एक मिसरा लायानी मिसरा है, बीमाना मिसरा है आपके लिए। लेकिन यही मिसरा जब उस पूरे ढांचे में आ जाता है, उस पूरे फजा में आ जाता है, यही मिसरा बहुत खूबसूरत माना बनता है इसका। यहाँ पर खुदा ने हर एक को एक खास मकाम अता किया है दूसरे मौजूदात के साथ। ये आपके जहन को आमादा किया इसलिए कि हमेशा गुफ्तगू सुनने के लिए और गुफ्तगू करने के लिए जो अंदाज चाहिए हमें, वो मंतकी और माकूल अंदाज चाहिए। यानी ये कि जिस मौजू में आप जा रहे हैं, ये मौजू अलग थलग कटा हुआ नहीं है, इस मौजू का कुछ इधर फजा है, कुछ उधर फजा है, उस फजा को पहले देखें, फिर आप मौजू को देखें कि क्या बनता है यहाँ पर मौजू। लेकिन हमारी तवक्को जो होती है वो इसके बरक्स है, बरखिलाफ है। हम सुनना चाहते हैं हाँ या ना में कहें, भाई मुझे जवाब चाहिए हाँ में या ना में जवाब चाहिए। ये हाँ भी बहुत मुजिर होती है और ये ना भी बहुत मुजिर होती है। कौन सी हाँ और ना? वो हाँ और ना जो माकूल अंदाज में ना हो, जिसकी फजा पहले से मौजूद ना हो, माहौल पहले से जिसके लिए फराम ना हो। अलबत्ता जब माहौल उसका फराम हो जाए, फिर इस हाँ का भी एक माना बनता है, इस ना का भी एक माना बनता है। लेकिन फजा के बगैर हाँ या ना, ये इजमाल और इबहाम है। ये इमामत व उम्मत एक ऐसा मौजू है जिसको हम अगर बीच में से उठा के देखना शुरू करें तो शायद उसकी हकीकत तक ना पहुंच सकें हम, और अगर पहुंचेंगे भी तो शायद हमें वो फैसला ना कर सकें जो हमें करना चाहिए, वो नतीजा ना ले सकें उससे जो हमें नतीजा लेना चाहिए। और यही वजह है कि हम बहुत सारी बातें सुनते हैं, बहुत सारे मौजूआत सुनते हैं, और उनसे मुनासिब नतीजा नहीं ले सकते, कादिर नहीं है उसके लेने पर। यानी ये आदत बन जाए हमारी, रवश बन जाए हमारी, कि जब भी किसी मौजू में दाखिल होंगे या सुनना पसंद करेंगे, इस तरह से सुनना पसंद करें। अब मैं ये नहीं चाहता कि मेरी रवश आप अपना लें, मेरी रवश सब पर ठोंस दें, अब जिस तरह मैं करता हूँ उस तरह सब करें ना, अपने अपने अंदाज में करें। लेकिन जो भी करें माकूल अंदाज में, जो भी सुने माकूल अंदाज में, जो भी बोले माकूल अंदाज में बोले। अब इमामत व उम्मत को कहाँ से हम शुरू करें ताकि बस इमामत व उम्मत तक पहुंचाए। इमामत व उम्मत हर्फ आगाज नहीं है, जैसा कि हर्फ अंजाम भी नहीं है। ना आगाज का कलमा है, ना अंजाम का कलमा है, बल्कि बीच का कलमा है, दरमियाना कलमा है, मुतवस्सित कलमा है। उसके पहले भी बहुत कुछ है, उसके बाद भी बहुत कुछ है। अब हमें बाद की बातें तो इसके बाद करनी चाहिए, बाद की बातें इमामत के पहले नहीं हो सकती, ये भी एक गैर माकूल तरीका है। लेकिन इमामत से पहले की बातें और उम्मत से पहले के गुफ्तगू के, इमामत व उम्मत को समझना जिससे ताल्लुक रखता है, वो जरूरी हमारे जहन में होनी चाहिए, वो फजा जरूरी ईजाद होनी चाहिए। वो फजा ये है कि कुरान मजीद ने भी यूं ही ये फजा पहले कायम की है। आप देखें बहुत सारी आयात हैं कुरान मजीद की कि जिन्होंने वो फजा बनाई है, फिर उस फजा में इमामत का तज़करा किया है, फिर उस फजा में नबूवत का तज़करा किया है, फिर उस माहौल बनाया है बाज़ आयात ने समझने का,
और फिर उस फजा और माहौल में आकर तौहीद का तज़किरा हुआ है या माअत का तज़किरा हुआ है या किसी और चीज का तज़किरा हुआ है, वो खुद इंसान है। इमामत व उम्मत जिस बात से गहरा रब्ता रखती है वो खुद इंसान है। अगर हम ये गुफ्तगू इंसान से शुरू करेंगे उस माकूल नतीजे तक पहुंच सकती है, लेकिन अगर हम इंसान को हटाकर नजरों से और चश्मपोशी करके इसकी एक तरफ निगाह करेंगे, हम कोई जमानत नहीं है कि हम अपना मकसूद नतीजा इस गुफ्तगू से ले सकें। और ये तो पहले भी आपकी खिदमत में अर्ज किया है चंद मरतबा कि इंसान के बारे में जो भी मौजू हो, जो भी उनवान हो, जो भी कलमा और गुफ्तगू हो, उस वक्त तक इंसान की समझ में नहीं आता जब तक खुद इंसान समझ में ना आ जाए। ये ऐसी बात है कि आप इसको तजर्बा भी कर सकते हैं और तजर्बा किया हुआ भी है आपने। इंसान से मुताल्लिक कोई गुफ्तगू ऐसी नहीं है इस कायनात में जो इंसान के बारे में हो, इंसान को समझे बगैर वो गुफ्तगू समझ में आ जाए। मसलन दीन इंसान के लिए, खुदा ने ये आईन, ये कानून, ये शरीयत मुकर्रर की है इंसान के लिए, बस दीन का एक ताल्लुक इंसान के साथ है। दीन में इंसानी ज़रूरियात का जिक्र है, दीन इंसानी ज़रूरियात को पूरा करता है, दीन इंसान के लिए रास्ता बताता है, दीन इंसान के अंजाम का जिक्र करता है। तो दीन को अब हमें समझना है। ये दीन कतअन समझ में नहीं आ सकता जब तक हमें इंसान समझ में ना आ जाए, क्योंकि ये दीन इंसान का दीन है, इंसान से मुताल्लिक दीन है, इंसानी ज़रूरतें इसमें बयान हो रही हैं। अब ये कैसे मुमकिन है कि मैं इंसान को नहीं जानता लेकिन इंसान के लिए जो दीन मुकर्रर हुआ है उसको जानता हूँ मैं, या इंसानी ज़रूरतों को समझता हूँ मैं? ये एक ना होने वाली बात है, सिर्फ एक दावा है ज़बानी जिसकी कोई हकीकत नहीं है और कोई हकानियत नहीं है, कोई साबित भी नहीं कर सकता इसको कि इंसान समझे बगैर दीन समझ गए हैं हम, इंसान समझे बगैर हम सब कुछ समझ गए हैं। बस पहला कलमा आगाज इंसान के लिए वो खुद इंसान है, फिर इंसान अपने ज़रूरी बातों तक और गुफ्तगू तक पहुंच सकता है। और ये मैं नहीं कह रहा बल्कि मासूम की ज़बान से भी जो मंतकी तरीका और माकूल तरीका हमें रहनुमाई की गई है वो भी यही है, मन अरफ नफ्सहु फ़कद अरफ रब्बहु, शनाख्त रब, रब की पहचान, चूंकि रुबूबियत का ताल्लुक फिर इंसान से, चूंकि रब्बुल इंसान है, वो इंसान का रब है, इंसान की रुबूबियत व इंसान के रब की शनाख्त का आगाज भी इंसान को करार दिया गया है कि शुरू इंसान से करो। मन अरफ नफ्सहु फ़कद अरफ रब्बहु, जिसने अपने आप को पहचाना उसने रब को पहचाना, अपने रब को पहचाना। वहीं के ज़ात खुदा मुस्तकिल है इंसान से, इंसान के लिए नहीं है लेकिन रुबूबियत इंसान के लिए है, उस ज़ात की रुबूबियत इंसान के बारे में है, लिहाजा इंसान की मारफत इंसान को रुबूबियत की मारफत से करीब कर देती है। अब ये पूरे दीन में ऐसे है, ना सिर्फ रुबूबियत या तौहीद बल्कि पूरा दीन इस तरह से है। अब दीन का एक बाब हमने खोला बीच में से इमामत और उम्मत, तो ये भी चूंकि इंसान का एक मनसब, इंसान के लिए एक उनवान और इंसान से मुताल्लिक मौजू है, हम इंसान के बगैर इसको नहीं समझ सकते। लेकिन यहां अब फुर्सत नहीं है कि हम इमामत की बात के जमीन में इंसान की बात छेड़ दें, फिर तो नौबत ही नहीं आएगी, बारी नहीं आएगी इमामत और उम्मत की। बाद चीजों को हम मुसल्लम समझकर आगे बढ़ते हैं, यानी इस पर तय ये रखते हैं अपने जहन में ये कि इंशाल्लाह आप इंसान शनास हैं और ये इंसान शनासी हो चुकी है। उस इंसान शनासी से जो नताइज ने लिए हैं हमने, वो नताइज आपकी खिदमत में मैं अर्ज कर देता हूं। क्योंकि इंसान शनासी एक पहला, सबसे पहला फरीजा इंसान का इस कायनात में यही है, और फर्ज ये रखा है हमने कि हमने ये काम कर दिया है, कर चुके हैं ये काम, हम फर्ज की हद तक कह रहा हूं, फर्ज ये कर रहे हैं हम इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाने के लिए, एक गैर वाकई फर्ज जिसका वाकईत से कोई ताल्लुक नहीं है, एक गैर वाकई फर्ज हमने यहां पर किया कि फर्ज करें कि हम इंसान शनासी के मरहले को तय कर चुके हैं, पहचान चुके हैं अपने आप को,
इंसान को, इंसान की हकीकत, इंसान की ज़ात, इंसान की ज़रूरियात को। इस शिनाख्त के जो नताइज निकले हैं उन नताइज को मैं यहाँ पर आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूँ, वो ये हैं। इंसान दूसरी तमाम मखलूकात से मुख्तलिफ है, खिलकत में ही, तख्लीक में ही मुख्तलिफ है इंसान। तवज्जो फरमाएंगे यहाँ, ये आपकी इंसान शनासी का नतीजा है, जो इंसान शनासी आपने की है, बयान मैं कर रहा हूं नतीजा उसका, कि इंसान खिलकत में ही तमाम दीगर मौजूदात से मुख्तलिफ है, खिलकत में मुख्तलिफ है। लेकिन उस खिलकत से मुराद ये नहीं है कि इंसान लंबा है, इंसान उमूदी है, इंसान सांवला है, इंसान गोरा है, इंसान काला है, इंसान गंदमी है, ना ये नहीं है फर्क खिलकत का। वैसे तो हर मौजूद की खिलकत ज़ाते खुदा के हाथ में है और हर मौजूद की हिदायत भी ज़ाते खुदा के इख्तियार में है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो तौहीद बयान की, जो हकीकत बयान की उन लोगों के सामने, वो ये थी कि रब्बुनल्लज़ी आता कुल्ल शैइन खल्क़हू सुम्मा हदा, यानी खुदा की पहचान इस तरह से करवाई हज़रत मूसा ने कि मेरा रब, मेरा परवरदिगार वो है जिसने हर शय की तख्लीक की है, हर शय को खिलकत अता की है और हर शय को हिदायत भी की है। इन दो चीज़ों से हज़रत मूसा ने खुदा की पहचान करवाई, खिलकत और हिदायत से। इस वजह से कि खिलकत और हिदायत में बहुत गहरा रब्त है, खिलकत हो जाए हिदायत ना हो, ये खिलकत अबस है, ये बातिल है, ये बेहुदा है, ये लगव है। ये खिलकत मनशा शर है जिसमें एक चीज खल्क हो जाए लेकिन उसको हिदायत ना मिले। लिहाजा जरूरी है खालिक के लिए कि वो हादी भी हो और खुदा ने यह हिदायत मुकर्रर की है। बस हर मौजूद खुदा की तरफ से खिलकत याफ्ता भी है और हिदायत याफ्ता भी है, लेकिन इस तरह से कि हर मौजूद को खुदा ने यह खिलकत अता की है, साथ ही तकवीनी तौर पर उसको हिदायत भी अता कर दी है। न खिलकत में इस मौजूद का कोई अमल दखल है, न हिदायत में इस मौजूद का कोई अमल दखल है। न खिलकत में खुदा ने इससे मशवरा किया, न हिदायत में अल्लाह ने इससे मशवरा किया। मलाइका से लेकर आप मौजूदात ज़मीनी तक एक एक को आप मुशाहदा कर लें, खिलकत के वक्त किसी से नहीं पूछा खुदा ने कि तुझे बनाऊं या ना बनाऊं, तुझे कैसे बनाऊं, तेरी हिदायत कैसे करूं, तेरा अंजाम कैसे रखूं, खुद ही बनाया, खुद ही एक रास्ते पे डाल दिया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से लेकर आप देखें एक मामूली मौजूद इस कायनात में, सबकी खिलकत और हिदायत अल्लाह के जात में है। इसी कानून के तहत इंसान की खिलकत और हिदायत भी खुदा के हाथ में है। इंसान मखलूक खुदा भी है और हिदायत याफ्ता भी खुदा की तरफ से है, लेकिन मुनफरिद है इंसान दूसरे मौजूदात से, खिलकत में दूसरों जैसा है। खिलकत उसको खुदा ने अता की, दूसरे मौजूदात को भी खिलकत खुदा ने अता की, लेकिन जब हिदायत की बारी आई वहां पर दूसरे मौजूदात को यह खसूसियत और यह खूबी मिली कि उन्होंने खिलकत भी खुदा से ले ली बगैर मांगे, हिदायत भी अल्लाह से ले ली बगैर मांगे। इंसान पर जब नौबत आई, इंसान की बारी आई, खिलकत जब ले चुका खुदा से, खुदा ने पूछा खूब हिदायत बताओ, हिदायत भी दूं, हिदायत याफ्ता बनाकर खल्क करूं या ना हिदायत खुद हासिल कर लोगे तुम। यहां पर अब इंसान ने अपना रास्ता दूसरे मौजूदात से जुदा कर लिया है, वो अहद फितरत, वो अहद पैमान अल्लाह के साथ जो इंसान ने मुकरर किया वो ये है कि मुझे मेरी खिलकत दे दी जाए, हिदायत दिखला दें आप, हिदायत अता ना करें, हिदायत सिर्फ दिखला दें मुझे, मैं उस दिखलाई हुई हिदायत पर खुद चलने के काबिल हूं। और ये बहुत बड़ा इम्तियाज़ है, बहुत बड़ा इम्तियाज़ है ये। चूंकि उमूमन ये होता है ना कि आप एक आदमी को लेके जाना चाहते हैं किसी जगह, उसे ये कहना चाहते हैं कि मैंने आपके लिए ये मसलन सामान, ये वसीला मैंने बना दिया है
और फलां जगह जाना है, खुद चले जाओगे मैं पहुंचा दूं। अब अगर अपाहज आदमी है, मोहताज आदमी है, माजूर आदमी है, वो ये कहेगा जी ये जो आपने लुत्फ किया, मेहरबानी की, एक मेहरबानी और करें, मुझे वहाँ तक भी पहुँचा दें। अपाहजों को हमेशा बनाया भी जाता है और पहुँचाया भी जाता है, लेकिन जो अपाहज नहीं हैं, सही व सालिम हैं, हाथ पांव उनके सही हैं, वो आपका तशक्कुर करेंगे कि आपने ये वसीला हमें दे दिया, लेकिन अब इसको इस्तेमाल करके पहुंचेंगे हम खुद, आप सिर्फ दिखला दें हमें, एड्रेस बता दें, हम खुद पहुंच जाते हैं कहाँ है। इंसान को भी खुदा ने अपना मकसद खिलकत बताया, दूसरे मौजूदात के सामने भी रखा, दूसरे मौजूदात ने नहीं चाहा कि खुद अपने इख्तियार से चलकर अपने मकसद खिलकत तक पहुंच जाएं। इंसान ने यह रास्ता इंतखाब कर लिया अपने लिए कि मैं अपनी मर्जी, अपने इख्तियार, अपने इरादे से यह सफर तय करूंगा। मैं ये आपकी इंसान शनासी का नतीजा है, अर्ज कर रहा हूं, इंसान शनासी नहीं हो रही। आपने जो इंसान की हकीकत को पहचाना है, आपने जो अपने आप को पहचाना है, उस पहचान का नतीजा एक जो निकला पहला, वो ये है कि इंसान खिलकत में मुनफरिद है दूसरों से, कि दूसरों की हिदायत अल्लाह की तरफ से मुकर्रर है, जिससे आगे पीछे नहीं हो सकते। इंसान की खिलकत और हिदायत, खिलकत अल्लाह ने कर दी, हिदायत दिखला दी उसको, लेकिन इसके इख्तियार में रख दी कि तुम खुद इसके रास्ते पर चलकर अपने मकसद खिलकत तक जा पहुंचो। लेकिन जिस तरह से दूसरे मौजूदात अल्लाह की मुअय्यन करदा हिदायत से जरा बराबर रुगर्दान नहीं होते, दाएं बाएं कदम नहीं रखते, यमीन और शमाल में नहीं जाते, इसी तरह इंसान को भी हुक्म है कि उनको मैंने मजबूर रखा हुआ है दाएं बाएं ना जाएं, तुम्हें मैंने आजाद छोड़ा हुआ है, दाएं बाएं जा सकते हो, लेकिन इस तरह से जो जिस तरह से वो जा रहे हैं, जिस तरह से वो मजबूर होकर दाएं बाएं नहीं जाते, तुम आजादी के साथ दाएं बाएं नहीं जाओ, और यह तुम्हारा बहुत बड़ा इम्तियाज है, बहुत बड़ी फजीलत है तुम्हारी। आप देखें ना, एक बीना और एक नाबीना, ये दोनों रास्ते में जा रहे हों, दाएं बाएं दोनों तरफ से अजनबी और नामहरम लोग हों, ये बीना और नाबीना दोनों रास्ते में जा रहे हैं जहां दाएं बाएं अजनबी हैं, नाबीना ना दाएं तरफ के नामहरम को देख रहा है, ना बाएं तरफ के नामहरम को देख रहा है, नाबीना। और जाकर इसने बता भी दिया, कसम भी खा ली कि मैंने वल्ला वल्ला मैंने किसी नामहरम को रास्ते में नहीं देखा, ना दाएं तरफ के ना बाएं तरफ के नामहरम को। तो उसको को कहेगा शाबाश, माशाल्लाह, आफरीन, क्या हिम्मत है, क्या जुर्रत है तेरी, कोई भी नहीं कहेगा। क्यों? इसलिए कि अगर तुम देखना भी चाहते, देख नहीं सकते थे, तुम मजबूर थे ना देखने पर, तुम ना देखने पर मजबूर थे। लेकिन ये बीना जब कहे कि मैंने भी ना दाएं महरम को देखा है, ना बाएं ना महरम को देखा है, दोनों तरफ ना महरम के सफ की तरफ निगाह नहीं की, सब के सब की जबान से यकदम दाद और तहसीन निकलेगी कि माशाल्लाह, तबारक अल्लाह अहसनुल खालिकीन। ये तो बशर नहीं है, हजरत यूसुफ जब उस ना महरम की महफिल से आए, खुद नामहरमों ने यह कहा कि सुभान अल्लाह, ये बशर नहीं है। बशर न ये कि चेहरे की रंगत देख के कहा बशर नहीं है, बल्कि वो रवैया, वो सीरत, वो सलूक, वो अमल देखकर कहा कि ये तो हमें बशर नहीं लगता। उसे बहुत बड़ा इफ्तिखार है, बहुत बड़ा फख्र है इंसान के लिए कि हिदायत उसने अपने लिए खुद अपने इख्तियार और इरादे से चुन ली। लेकिन यही इरादे और इख्तियार से जो उसने अपने हिदायत का रास्ता इख्तियार किया है, इसके कुछ लवाजमात भी हैं। जब तक उन लवाजमात की इंसान ख्याल नहीं रखेगा, ये इरादी सफर हिदायत का तय नहीं कर सकता। वो ये है कि इंसान इस तख्लीक में और इस हिदायत में जो वसाइल उसको फराहम किए गए हैं, जो सहूलतें उसको दी गई हैं, ताकि ये सफर, अगरचे खुद इसने चाहा कि मैं अपने कदमों से चल के जाऊंगा, लेकिन खुदा करीम है, खुदा रहीम है, खुदा मेहरबान है, उसने फिर भी मुझे अपने हाल पे नहीं छोड़ा,
بلکہ ہر ممکنہ وسیلہ ہدایت میرے اختیار میں قرار دیا تاکہ یہ سفر آسانی سے طے کر سکوں میں. ان وسائل میں سے ایک بہترین وسیلہ جو خداوند تبارک و تعالی نے ہمیں عطا کیا ہے وہ یہ کہ ہمیں انفرادیت سے دور رکھا. انفرادیت انسان کے اندر اس طرح سے نہیں رکھ دی جس طرح سے دیگر موجودات میں رکھی ہے، بلکہ انسان کے اندر خدا نے ایک ایسی خاصیت اور ایک ایسی صفت رکھی ہے جس کی بنا پر اس کا تمایل اور اس کا رجحان انفرادیت کو چھوڑ کر اجتماعیت کی طرف ہے، مدنیت کی طرف ہے. دوسرے موجودات ایسے نہیں ہیں. ایک درخت جنگل میں ہو، باغ میں ہو، گھر میں ہو، جہاں بھی ہو، اس کے انداز آپ دیکھیں سب انفرادیت ہے، انفرادیت ہی انفرادیت اس پر حاکم ہے. چونکہ اس درخت کو پوچھیں کہ اگنے کے لیے دوسرے درخت نے آپ کی کوئی مدد کی، کہے گا نہیں، آپ نے اس کی کوئی مدد کی نہیں، آپ نے اسے کوئی مشورہ کیا نہیں، آپ نے اس کے کسی تجربے سے فائدہ اٹھایا نہیں، آپ نے مل کر آئندہ آنے والے درختوں کے لیے کوئی کوشش کی نہیں، آپ نے کوئی علوم بنائے نہیں، آپ نے کوئی مراکز بنائے نہیں. ہر درخت انفرادی طور پر پیدا ہوتا ہے، انفرادی طور پر پلتا بڑھتا ہے، انفرادی طور پر اپنی مدت پوری کر کے ختم ہو جاتا ہے. ہر جانور انفرادی، اس کی ولادت ہوتی ہے، انفرادی اس کی پرورش ہوتی ہے، اور انفرادی پرورش کے بعد انفرادی طور پر اس دنیا سے ختم ہو جاتا ہے. لیکن انسان ایسے نہیں ہے. انسان پیدائش میں بھی انفرادیت نہیں ہے، اس میں پلنے بڑھنے میں بھی اس میں انفرادیت نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد جب اس دنیا میں تکامل کر کے یہاں سے جاتا ہے اس وقت بھی اس میں انفرادیت نہیں ہے. اس وجہ سے کہتے ہیں کہ انسان اپنی طبیعت اور فطرت اور جبلت کے لحاظ سے ایک اجتماعی مدنی مخلوق ہے، دوسرے مخلوقات سے ہٹ کر. یہاں اب ذرا اس نقطے کو تھوڑی بیشتر توجہ فرمائیں گے. اب اجتماعیت سے مراد، ابھی یہ امت کی باس میں جب انشاءاللہ آئیں گے اور امت کی تشریح ہوگی تو آپ کو وہاں بیشتر اس کی تفصیل مل جائے گی. اجتماعیت سے مراد یکجا رہنا نہیں ہوتا، اکٹھا ہونے کو اجتماعیت نہیں کہتے. اجتماعیت یہ ہے کہ جہاں پر ایک دوسرے کی طرف ضرورت پڑ جائے، ایک دوسرے کے بغیر رہنا ناممکن ہو جائے، اجتماعیت اس کو کہتے ہیں. یعنی جہاں پر ایک فرد اگر اس ماحول کو چھوڑ کر زندگی بسر کرنا چاہے، اس کے لیے موت واقع ہو جائے اس کی اور وہ زندہ نہ رہ سکے، سانس نہ لے سکے. پھر اب ذہنوں میں یہ سوال نہ آئے کہ ہم نے بہت ساری مثالیں سنی ہوئی ہیں، دیکھی ہوئی ہیں، جہاں پر ایک قد فرد آبادیاں چھوڑ کر کے جو دور جا بسا ہے. وہ دور جا بسا ہے شہر کو چھوڑ کر، آبادی کو چھوڑ کر، لیکن وہ انسانی اجتماعیت کو نہیں چھوڑ سکا، انسانی ثقافت کو نہیں چھوڑ سکا، انسانی تفکر کو نہیں ترک کر سکا. چونکہ وہاں رہ کر بھی انسانی علوم سے فائدہ اٹھا رہا ہے، وہاں رہ کر بھی انسانی تجربات سے فائدہ اٹھا رہا ہے، وہاں رہ کر بھی اس کے ذہن میں انسانی تفکرات اور نظریات و افکار اس کے ذہن میں موجود ہیں. بس یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک انسان کٹ جائے اس طرح سے کہ نہ انسانی تجربات اس کے پاس ہو، نہ انسانی افکار اس کے پاس ہو، نہ انسانی نظریات اس کے پاس ہو، اور کسی قسم کا انسانیت سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو. ایسا انسان، ایسا موجود زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن ایک جانور زندہ رہ سکتا ہے. ایسے اجتماعیت کا یہ معنی ہے. اس اجتماعیت میں آ کر، کیوں یہ اجتماعیت اور کیوں میں نے اس کو سہولت کا نام دیا ہے، میں نے کہا کہ یہ ایک وسیلہ ہے جو خدا نے انسان کی ہدایت کے لیے انسان کو فراہم کیا ہے. چونکہ جس نے ہمیں پیدا کیا اس نے ہمیں ہدایت کی راہ پر بھی ڈال دیا اور ہمارا ایک مقصد بھی مقرر کر دیا، لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس کو اگر اپنے حال پر میں چھوڑ دوں تو یہ ایک قدم پھر بھی نہیں اٹھا سکتا، اگرچہ اس نے قبول کیا ہے اس ظلوم و جہول نے کہ میں خود چلوں گا. مثال دوں اس کی تاکہ زیادہ نزدیک سے آپ اس کا احساس کریں. دیکھیں بچے کی پھر مثال دیتا ہوں. بچے کو آپ نے دیکھا، ایک عمر میں بچہ احساس کرتا ہے استقلال کا. ایک عمر 2 سال 3 سال کی عمر میں آ کر بچوں میں تھوڑی استقلال کی زیادہ حس پیدا ہو جاتی ہے، اور کل جیسے کہا تھا کہ پھر ہم ڈانٹ ڈپٹ کے وہ اس کی
इस्तिक्लाल तलबी को भी सरकूब कर देते हैं, हमेशा के लिए मोहताज बच्चा, हमेशा के लिए वाबस्ता बच्चा बनाते हैं हम उसको, खुद डांट टपट के, खौफ दिला के। मसलन वो रास्ता चलता है, उसका जी चाहता है आपकी उंगली ना पकड़े, उंगली छोड़ के चले। होता है ना, बच्चों को देखा होगा आपने, आप रोड क्रॉस कराना चाहते हैं, उंगली पकड़ो या उसकी उंगली पकड़ते हैं, वो नहीं कहते, वो कहते हैं कि नहीं मैं खुद करूंगा। जब आप खुद जा रहे हैं तो मैं भी खुद जाऊंगा। खाना आपने रखा, आपके हाथ से नहीं खाता, वो चाहते खुद खाएगा। कपड़े पहनने, उसने कहता है मैं खुद पहनूंगा। जूता पहनने, कहता है मैं खुद पहनूंगा। होते हैं ना बच्चे, अलबत्ता बहुत जल्दी छोड़ देते हैं ये हरकतें। क्यों? कि वो वालदा की डांट डपट, वो बाप का वो तेवर बदले हुए, चेहरा आंखें निकली हुई, वो डर जाता है उससे कि पता नहीं ये कोई गुनाह कर रहा हूं, मैं इस्तिकलाल की तरफ जा रहा हूं, ये क्या गुनाह है, ये क्या है। और ये इस्तिकलाल की फिक्र करके एहसास गुनाह करना, ये फिर बुढ़ापे तक रहता है। हम कि अगर किसी को कहो कि भाई आपको मुस्तकिल होना चाहिए, आपकी ममलिकत को मुस्तकिल होना चाहिए, आपके दीन और मजहब को मुस्तकिल होना चाहिए, एहसास गुनाह करते हैं अपने अंदर कि शायद ये भी कोई गलती कर रहे हैं हम, कोई डांट ना दे, कोई डपट ना दे। वो खौफ बचपन का हमारे दिल में बैठा होता है, यानी हिस्से इस्तिकलाल तलबी बचपन में ही सरकूब हो जाती है। लेकिन एक उम्र बच्चे में आती है ऐसी, आप उंगली पकड़ना चाहते हैं, वो नहीं, आपका सहारा नहीं लेना चाहता। लेकिन आप वालिदैन हैं, बाप हैं या मां हैं, क्या करते हैं फिर भाई, कि वो खुद चलना चाहता है लेकिन मां फिर भी उसको तनहा नहीं छोड़ती। ठीक है उंगली नहीं पकड़ी, लेकिन साया बनकर उसके साथ रहती है, कहीं भी उसको तर्क नहीं करती कि कहीं इसको टक्कर ना लग जाए, कहीं गिर ना जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं टकरा ना जाए किसी चीज से, कोई सदमा ना इसको पहुंचे, कोई जरर ना इसको पहुंचे। ये माँ की ममता है, ये माँ की शफकत है, ये माँ का मेहर है जो माँ को मजबूर करता है कि ये बच्चा अगरचे इजहार करता है कि मुझे तेरी जरूरत नहीं है, मैं खुद चलूंगा, लेकिन माँ को पता है कि ये तो घुटनों के बाल चलेगा, ये गिरेगा, जख्मी होगा। माँ की ममता उसको मजबूर करती है कि फिर भी साया बनकर बच्चे के साथ साथ रहती है, जहां उसको टक्कर लगती है वहां संभाल लेती है उसको। तो खुदा तो इससे भी ज्यादा करीम है, खुदा तो इससे भी ज्यादा शफीक है, खुदा तो इससे भी ज्यादा मेहरबान है, खुदा तो इससे भी ज्यादा हमारे साथ, माँ से भी ज्यादा, हमसे भी ज्यादा खुदा हमारे साथ करीम और मेहरबान है। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, तुझे इस करीम परवरदिगार से किसने दूर कर दिया है, किसने तुझे धोखा दिया है, किसने तेरी आंखें बंद कर दी हैं, इतना करीम परवरदिगार, इतना मेहरबान परवरदिगार, गौर तो करो तुम्हें उसने क्या क्या दिया है, उसने तुम्हें ये मांगा है तुमने, तुम्हें तो शऊर भी नहीं था। तुम जब माँ के पेट में थे तो उससे तलब दुआ मांगी है कि मुझे दो आंखें दो, तुम्हारे मांगे बगैर उसने तुम्हें दो आंखें दी, कितना मेहरबान है तुम पर, कितना खूबसूरत चेहरा उसने बनाया तेरा, तेरा मशवरा उसमें शामिल था, तूने दुआ मांगी थी उस वक्त कि मेरा चेहरा इतना हसीन हो जाए, अकल दी उसने तुझे, मांगी है तूने अकल, तेरे मांगे बगैर उसने ये कुछ तुझे दिया। ये करीम कर सकता है, बखील नहीं कर सकता, खसीस नहीं कर सकता, एक करीम ये काम कर सकता है, बिन मांगे दे, बगैर मांगे दे। खुदा तो बहुत करीम है, खुदा ने हमें अपने हाल पे नहीं छोड़ा। अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा में फरमाते हैं कि खुदा की बारगाह में मबगूज तरीन इंसान दो इंसान है, दो तबके हैं। इन्ना अबगज़ल खलाइक इलल्लाह रजुलैन, मबगूज तरीन, मनफूर तरीन दो तबके और दो किस्म के इंसान है अल्लाह की बारगाह में। एक वो रजुलन वकलहुल्लाहु इला नफ्से, एक वो इंसान है जिसको खुदा ने अपने हाल पे छोड़ दिया हो। ये मबगूज तरीन इंसान है खुदा की बारगाह में, जिसको अल्लाह ने अपने हाल पे छोड़ दिया हो। क्या बनेगा उसका जिसको अल्लाह ने अपने हाल पे छोड़ दिया हो। हम भी अपनी दुआओं में मांगते हैं, और मांगना चाहिए हमें अल्लाह से, रब्बना ला तकिलना इला अनफुसिना तरफता ऐनिन अबदा, के परवरदिगार हमें एक लहजे के लिए अपने हाल पे हमें ना छोड़ना, हम ना भी मांगे तो वो हमें नहीं छोड़ता अपने हाल पर। उसने खल्क करके हमें अपने हाल पे नहीं छोड़ा, इसके बाद भी अपने हमें अपने हाल पे नहीं छोड़ेगा, फिर क्या करेगा? अपने हाल पे नहीं छोड़ा हमें, हमारी जमाम हमारे हाथ में, अगरचे हमने लेना चाहिए और उसने थमा भी दी,
लेकिन फिर भी साया बन के हमारे साथ है, साया बन के हमारे सरों के ऊपर है, रहमत बनकर हमारे साथ साथ है, करम बनकर हमारे साथ साथ है, नुसरत बनकर हमारे साथ साथ है, मदद बनकर हमारे साथ साथ है। क्या किया उसने हमारे लिए? ये किया उसने कि अगरचे हमने चाहा खुद जाना, उसने हमारे लिए इस सफर की सहूलतें जो फराहम की, वो एक सहूलत जो हमारे अंदर रखी वो ये कि मुझ में एहसास मदनियत और एहसास इज्तमाईयत मेरे अंदर खुदा ने वदियत कर दिया। अगरचे मैंने मांगा भी नहीं था, मैंने चाहा भी नहीं था, लेकिन खुदा ने मेरे अंदर ये एहसास ईजाद कर दिया कि तू दूसरे इंसानों के साथ रहकर ये सफर तय कर सकता है, दूसरे इंसानों से कट कर तू ये सफर नहीं तय कर सकता, तू अपने मकसद खिलकत तक नहीं पहुंच सकता जब तक तू दूसरों के साथ ना मिल जाए, दूसरों के साथ हम आहंग ना हो जाए, दूसरों के साथ हम रंग ना हो जाए, दूसरों के साथ मिल ना जाए, उस वक्त तक तू ये सफर तय नहीं कर सकता। लिहाजा जो बिल्कुल अकेला जाएगा उसको वापस कर दिया जाएगा। तवज्जो फरमा रहे हैं इस नुक्ते पर, इसको बिस्तर वजात करेंगे इंशाल्लाह, अभी इसको सुन ले आप। जो बिल्कुल अकेला जाएगा बारगाह खुदा में, बिल्कुल तनहा, उसको वापस कर दिया जाएगा कि हमें तनहा आने वाले नहीं चाहिए। कुछ की कोशिश होती है ना कि अपना काम निकल जाए, दूसरों को खुदा की मखलूक है खुद खुदा संभाले, मुझे अपना काम निकालना चाहिए, खुद अपने आप को किसी तरह से वहां तक पहुंचा दूं, बहश्त पहुंच जाऊं मैं तनहा, जिस रास्ते से भी हो, छुप छुपा के किसी अगले पिछले रास्ते से जन्नत तक पहुंच गया। खुदा ने पूछा बाकी का, वो मुझे मालूम नहीं, आ रहे होंगे शायद, आ रहे होंगे, कब वापस? जब तक उनको साथ नहीं होगे उस वक्त तक दाखिला नहीं। तवज्जो फरमाएंगे, मैंने कल भी अर्ज किया था ना कि हर जाविये से हमें दाखिल होना चाहिए, हर दरवाजे से हमें दाखिल होना चाहिए, हर बात सुनने के लिए अपने आप को आमादा करना चाहिए। कबूल करना फिर बाद में आपकी अपनी मर्जी है, कबूल करने में आप बाइख्तियार हैं, सुनने में भी बाइख्तियार हैं। यानी तनहा जो जाएगा, सफर तनहाई जो करेगा, उसको वापस कर दिया जाएगा, हमें नहीं चाहिए ये। वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो सब, और तफरका ना करो, तफरका ना करो आपस में। अब ये सादा समाना तर्जमा जो हमारे जहनों में है, इसी को लेके हम, अगर खुदा की रस्सी, हमें ये रस्सी एक सीधी छत से लटका दें और हमें ये कहा जाए कि जो भी इस रस्सी को थामेगा वो कामयाब, जिस तरह से मसलन हम आलम का एहतराम करते हैं, थामते हैं, चूमते हैं जाकर, वो इस तरह कहें एक रस्सी हो और कहें कि ये खुदा की रस्सी है, इस खुदा की रस्सी को जो थामेगा वो बहश्त में है, वो अपने मकसद में कामयाब है। अब हम लाइन लगा लें, पहले मैंने जाके रस्सी थामी, फिर उसने थामी, फिर तीसरे ने, चौथे ने, पांचवें ने, करके आखिर तक सब ने एक एक करके अपनी अपनी बारी में रस्सी को थामा और फिर अपने अपने काम में आया। हमने इस आयत खुदा की इताअत की है या नहीं? वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, भाई के सब ने रस्सी थाम ली है ना? नहीं की हमने। आप अपने घर में बैठकर अल्लाह की रस्सी थामे हुए हैं, मैं अपने घर में बैठकर अल्लाह की रस्सी थामे हुए हूँ, वो अपने घर में बैठकर खुदा की रस्सी थामे हुए है। इस तरह से अल्लाह की रस्सी थाम लेना, ये ठीक है आप अल्लाह की रस्सी ही थामे हुए हैं, लेकिन ये इस आयत का मतलब नहीं है। आयत ये नहीं कह रही थी कि अपनी अपनी बारी पर आओ और रस्सी थाम कर चले जाओ या अपने अपने घर में बैठकर रस्सी थाम लो, आयत ये नहीं कह रही है। आया ये नहीं कह रही वातसिमु बिहब्लिल्लाहि वला तफर्रकू, अगर यूं होती आयत ठीक था, हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं थी। अगर आयत में ये मजमून होता वातसिमु बिहब्लिल्लाहि वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को थाम लो और तफरका ना करो, अगर ये होता खूब ठीक था, हम मुश्किल नहीं थी, मैं भी अल्लाह की रस्सी को थामे हूँ, आप भी अल्लाह की रस्सी को थामे हुए हैं, सब अल्लाह की रस्सी को थाम के बैठे हुए अपने अपने घरों में, एक दूसरे की खबर भी नहीं है। लेकिन इस आयत में ये एक कलमा जरा मुश्किल से हमें दोचार कर देता है, वो है जमीयन, वातसिमु बिहब्लिल्लाहि
जमीअन वला तफर्रकू, जमीअन थामो इसको, यानी अगर एक ने बढ़ के थाम भी ली और दूसरों ने नहीं थामी तो इसका मतलब है किसी ने भी नहीं थामी ये रस्सी। या अलग अलग अपने अपने घर में बैठकर अगर किसी ने रस्सी को थाम लिया और सब ने मिलकर इस रस्सी पे चंग नहीं लगाया, हाथ नहीं लगाया, तो गोया किसी ने भी हाथ नहीं लगाया। हो सकता है ना, ये मसूफाज गाल नहीं, ये सुतून है, हम बारी बारी जाएं इस सुतून को जाकर थामें, ये एक तरीका है। सब आदमी लाइन में लगकर बारी बारी, जिस तरह आप जाते हैं मक्का में लाइन में लगकर हजरे अस्वद को बोसा देते हैं, एक देता है फिर दूसरा फिर तीसरा, इस तरह आप आए रस्सी को बारी बारी थाम के गुजर जाएं। ना किसी ने भी अमल नहीं किया इस आयत पर, सब इस आयत के लिए सब के सब तारिक हैं, कोई भी मुती नहीं है, सब मासियतकार हैं। चूंकि आयत कह रही है कि हमने कहा कि सब एक हाथ बनकर इसको थाम लो, एक चंग डालो इस पर, उस वक्त इस आयत की इताअत होगी। ये क्यों फरमाया खुदा ने, यानी ये इज्तमाईयत और ये इंसानों के साथ रहकर ये सफर तय करना है हमने, क्यों? इसलिए सहूलत के लिए, तुम्हारी सहूलत के लिए हमने ये रखा है कि आपने इनफरादी सफर तय नहीं करना। ये एक अल्लाह का करम है, ये एक अल्लाह की मेहरबानी है, ये मेहर खुदा है, ये कहर खुदा नहीं है। यानी यूं ना कहें कि ये खुदा ने किस मुश्किल में डाल दिया मुझे, ये मेहर खुदा है कि खुदा ने मुझे दूसरों के साथ पैदा किया और दूसरों का हम सफर बना दिया। लिहाजा आप फितरत के तकाजे के मुताबिक जो दुआ तलब करते हैं खुदा से, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मुझे सिरात मुस्तकीम चाहिए सफर के लिए, रास्ता चाहिए, और खुदा ने रास्ता दिखा दिया आपको, खत्म हो गई दुआ, तो कबूल हो गई आपकी, और क्या चाहते हैं आप? फौरन आप उसको तलाफी करते हैं, एक चीज कम रह गई है, सिरात अल्लदीना अनअमत अलैहिम, यानी मुझे सिर्फ रास्ता नहीं चाहिए, मुझे किसी के साथ ये रास्ता चाहिए, किसी के हमरा ये रास्ता चाहिए, दूसरों के साथ मिलकर ये रास्ता चाहिए, तनहा ये रास्ता नहीं चाहिए। सिरात अल्लदीना अनअमत अलैहिम, इहदिना, अवल तो हमें ना इहदी, इहदिना हमें ये हिदायत कर, और हमें जब ये हिदायत की है तो फिर ऐसी हिदायत कर कि इस पर और भी हो, मैं तनहा ना हूं इस पर, क्योंकि तनहा ये सफर तय होता नहीं है इंसान से। बस ये एक बोझ नहीं है जो अल्लाह ने हमारी गर्दन में डाला, एक सहूलत है जो हमें खुदावंद तबारक व तआला ने ये इनायत फरमाई है हमारे मांगे बगैर, क्योंकि खुदा के इल्म में है कि ये सफर इसी तरह से सहूलत के साथ तय हो सकता है इनसे। बस पहला नुक्ता जो आपकी खिदमत में अर्ज किया वो ये कि इंसान खिलकत में दूसरे मौजूदात से मुनफरिद है, और वो इनफरादियत इसमें है कि दूसरों की खिलकत व हिदायत सब मुकर्रर व मुअय्यन है, उनका अपना कोई अमल दखल नहीं है इसमें, जबकि इंसान का खिलकत में कोई अमल दखल नहीं, लेकिन हिदायत में इंसान इख्तियार रखता है, आजादी रखता है, इंतखाब का हक रखता है। अब जबकि उसने अपने इरादे और इख्तियार से यह सफर तय करना है तो सहूलत के सारे वसाइल खुदा ने उसको मुहैया किए, सारे असबाब उसके इख्तियार में करार दिए कि इनको इस्तेमाल करो और अपना सफर तय करो और अपने मकसूद खिलकत तक जा पहुंचो। उनमें से जो जब सबसे बड़ी सहूलत अल्लाह ने हमारे लिए रखी है वो ये कि ये सफर सब ने मिलकर तय करना है, तनहा नहीं हो तुम, अजनबी नहीं हो, गरीब नहीं हो तुम। बस इंसान मजबूर है रवाबित बरकरार करने पर ताकि इस दुनिया में बाहम रहे और इस दुनिया से अगला मरहला वो भी एक साथ तय करे। ये इज्तमाईयत इंसान है। इज्तमाईयत सिर्फ यूं नहीं कि हम एक दूसरे के साथ तआवुन करें तो सवाब होगा, फिर कल वाली बात आ गई, हर चीज में वो सवाब मौजूद है, लेकिन हर चीज में हमें सिर्फ सवाब से चिपक कर नहीं रह जाना चाहिए। सवाब तरगीब के लिए है, रगबत दिलाने के लिए है, हम ये काम करें इस पर सवाब होगा, इसके रगबत दिलाने के लिए। लेकिन अब जबकि मैं ये काम कर रहा हूं उसका असर क्या होगा? असर यह है कि आपने ये सफर उनके साथ मिलकर तय करना है और खुद चूंकि तुम मायल नहीं हो इस तरफ, हमने रगबत के लिए इसमें सवाब रखा है। बस ये सफर इंसान ने इस तरह से तय करना है।
दूसरों के साथ रवाबित रखनी है, लेकिन इन रवाबित की बुनियाद क्या होनी चाहिए, रवाबित की असास क्या होनी चाहिए। तवज्जो फरमा रहे हैं ना यहाँ पर। अब मैंने कहा कि तफसील में हम नहीं जाएंगे इंसान शनासी में, अगरचे हक यही बनता था कि हम पहले एक गुफ्तगू 15 रोज़ा करें इंसान शनासी पर, फिर 15 रोज़ा गुफ्तगू करें हम इमामत व उम्मत के मुतालिक, लेकिन वो क्या है, फ़र्ज़ रखा है कि हमने कर दिए, कर चुके हैं बस, और उससे फारिग होकर नतीजा उसका लेकर अपनी गुफ्तगू में हमने शामिल कर लिया। उस इंसान शनासी का नतीजा हमें ये मिला कि हम यूं हैं, खिलकत हमारी इस तरह से है। और आपने भी महसूस किया होगा कि जब तफसील से बात नहीं हुई, यानी मंतकी तौर पर हमने उस बात को नहीं छेड़ा और नतीजा नहीं लिया, तो आपके जहन में भी सवाल बहुत सारे पैदा हो गए हैं, बहुत सारी तिशनगी पैदा हो गई है, और ये होनी भी चाहिए, क्योंकि मुख्तसर हाँ या ना करना ये इल्मी उसलूब के खिलाफ है। ये हर चीज़ को अपनी फ़जा में रख कर उसको बयान करना मुनासिब है। मैंने सिर्फ इमामत व उम्मत के लिए फ़जा बनाने की कोशिश की है, न इंसान शनासी के लिए जो फ़जा दरकार है, उसके लिए एक अलग फ़जा चाहिए हमें। ज़हनी फ़जा मकसूद है, इल्मी फ़जा मकसूद है, मालूमाती फ़जा मकसूद है। बस हम मजबूर हैं रवाबित बनाने पर, रवाबित बरकरार करने पर, और ये सफ़र तनहा नहीं हो सकता, हमें वापस भेज दिया जाएगा। अगर हम पहले तो तनहा पहुँच नहीं सकते आप, अगर फ़र्ज कर रहा हूँ कि अगर कोई तनहा पहुँच गया तो उसको वापसी का टिकट उसके पास होगा, वहीं पर वापस, जो हमें नहीं है ज़रूरत आपकी, तनहा आने वाले हमें नहीं चाहिए। अपनी कब्र संवारने वाले, अपनी आकबत संवारने वाले, अपनी जन्नत संवारने वाले, अपने सवाब की खातिर आने वाले हमें ऐसे नहीं चाहिए। हमें वो चाहिए जो कारवान लेकर आए, काफले लेकर आए, दूसरों को साथ लेकर आए, दूसरों के साथ मिलकर आए, और ये नहीं हो सकता मगर रवाबित के साथ, कि इंसान आए और इंसानी रवाबित बरकरार हो। अब कौन से इंसानी रवाबित बरकरार हों ताकि हम उस शक्ल में आ जाएं जिस शक्ल में हमारे लिए इज्तमाई तौर पर यह सफर तय करना बहुत जरूरी है। अब यहां से ये गुफ्तगू या इसके अगले जो मराहिल इंशाल्लाह पेश होंगे आपकी खिदमत में, बहुत सारी चीजों से ये गुफ्तगू अब मरबूत हो जाएगी। तवज्जो रखना जहन में, हमें किसी मौजूदा सूरत हाल से हमें कोई गुफ्तगू और बास नहीं है, कौन क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा, जो कर रहा है कर रहा है। हम यहाँ पर एक इल्मी गुफ्तगू करना चाहते हैं, कुरानी गुफ्तगू करना चाहते हैं। मुमकिन है मैं जो अमलन कर रहा हूँ उस ये मेरी गुफ्तगू का नतीजा मेरे अपने अमल के खिलाफ हो, जो कुछ आप कर रहे हैं मुमकिन है इस गुफ्तगू का नतीजा कुछ और निकले और आप कुछ और कर रहे हैं। मुमकिन है जैद अमर बकर जो बाहर बैठ के कुछ कर रहे हैं, हमारी इस गुफ्तगू का नतीजा कुछ और निकले। बल्कि गुफ्तगू है ही इस नौइयत की, ये गुफ्तगू महज इल्मी नहीं है, बल्कि ये वो गुफ्तगू है जो सबसे पहले हमारे अमल पर असरअंदाज होगी, हमारी सीरत पर असरअंदाज होगी, हमने जो कुछ किया है उस पर असरअंदाज होगी, जो कुछ कर रहे हैं उस पर असरअंदाज होगी, और जो कुछ हमें करना चाहिए उस पर असरअंदाज होगी। यानी सिर्फ ऐसी नहीं है कि किताबी गुफ्तगू हो रही है, सिर्फ लज्जत जहनी के जरिए हो रही है, के लिए हो रही है, यह फकत एक औकात पुर करने के लिए, बिलाखिर हमें इन 15 दिनों में कुछ तो कहना था, वो बातें नहीं कर रहे, ये बातें कर रहे हैं, कहीं तो बैठना था हमें ना, मकसूद हरगिज़ ये नहीं है। मकसूद ये है कि जो कुछ हमें करना चाहिए, जो कुछ कुरान ने हमारे लिए रास्ता मुतय्यन किया है, आया हम उस राह कुरानी पर हैं या नहीं है, हमें ये देखना है। इमामत व उम्मत की बात में हमने सिर्फ ये देखना है कि आया हम हैं उस तरह से जिस तरह कुरान ने हमें हिदायत और रहनुमाई की है, या अब भी हम उस पर चलने के काबिल हैं या नहीं है, या दूर हैं हम उससे। लेकिन अमलन कोई क्या कर रहा है उससे हमें बिल्कुल कोई सरोकार नहीं है, ना किसी को ताईद करना चाहते हैं यहाँ पर, ना किसी की नफी करना चाहते हैं हम यहाँ पर। जो कोई कर रहा है अपनी फहम सूझबूझ के मुताबिक अच्छा कर रहा है, खूब कर रहा है। यहां से अब ये गुफ्तगू बहुत सारी चीजों से मरबूत हो जाती है। इंसानी रवाबित हमने रखे बगैर नहीं जा सकते, दुनिया में कोई फर्द आप बता भी नहीं सकते कि जिसने इंसानी रवाबित के बगैर ये सफर तय किया हो या कर रहा हो। अब एक निगाह तायराना हमें इन रवाबित पर भी डालनी है, क्योंकि इंसान फितरत के एतबार से, जबिल्लत के लिहाज से
रवाबित बरकरार रखने पर मजबूर है, और हम ये फितरत के हुक्म से ये करते हैं। ये काम सबसे पहला काम आप ये करते हैं कि खानदान तश्कील लेते हैं, ये हुक्म फितरत है। जानवर खानदान तश्कील नहीं देते, हैवानात खानदान तश्कील नहीं देते, अगरचे इकट्ठे होते हैं। ये गुफ्तगू आएगी अभी, इसको अगर जहन में सवाल है तो रहने दें इसको सवाल बनाकर, इंशाल्लाह इसका जवाब आ जाएगा आपकी खिदमत में कि इकट्ठे रहने को इज्तमाईयत नहीं कहते, मदनियत नहीं कहते। मुश्किल इंसान इकट्ठे रहने से हल नहीं होती, इंसान को जरा इससे ऊपर मावरा कुछ चीज चाहिए। इमामत उम्मत का तसव्वुर इंसान को कुछ और वादी की तरफ रहनुमाई करता है। वल तकुन मिनकुम उम्मतुन, तुम में से उम्मत होना चाहिए तुम्हें, तुम में से कोई ग्रोह को उम्मत बनना चाहिए। यदउन इलल खैर, जिसका काम यह हो कि वो खैर की दावत दे, दाई इलल खैर हो, और यामुरून बिल मारूफ व यनहौन अनिल मुनकर, उनका काम यह हो कि वो अमर बिल मारूफ करें और नहय अनिल मुनकर करें। कि फलाह याफ्ता तबका यही है, फलाह इसी के अंदर मौजूद है कि जब तक उम्मत नहीं बनोगे उस वक्त तक कुछ भी तुम्हें हासिल नहीं हो सकता। अब उम्मत को छोड़कर जो मर्जी है बन जाओ। मैंने कहा ना कि यहां से मजबूर हैं हम बात करने पर। अब अगरचे तमाम जो कुछ कोई भी कर रहा है उसके लिए मोहतरम, हमारे लिए भी मोहतरम, हम पर लाजिम है हम दूसरों का एहतराम करें, दूसरों के मुकद्दसात का एहतराम करें, दूसरों के नजरियात का एहतराम करें, दूसरों के आमाल का एहतराम करें हम। लेकिन दरें अपनी बात भी करें आप बाहिफ एहतराम। मसलन अगर कोई इस वक्त दुनिया में आप देखें रवाबित हैं, कौन कहते हैं रवाबित नहीं है, रवाबित हैं, किस सतह के रवाबित हैं, लोगों के आपस में रवाबित, खानदानी रवाबित हैं, रिश्तों में हम रिश्तेदार हैं एक दूसरे के। अब खुदा ने हमें इज्तमाई खाल किया, मदनी खाल किया, रवाबित होने चाहिए, हमारे हैं रवाबित, ये तो कोई बताने की जरूरत नहीं है। जहन में सवाल आता है ना, है हम पहले से रवाबित रखते हैं इंसानों के साथ, ये एक रवाबित है खानदानी। खूब कारोबारी रवाबित हमारे हैं, उसके साथ भी लेन देन है, इसके साथ भी लेन देन है, उसके साथ भी लेन देन है, ये भी रवाबित हैं हमारे। और क्या रवाबित हैं, रिश्ते के रवाबित हैं, कारोबारी रवाबित हैं, और क्या हैं, सियासी रवाबित भी हैं हमारे, तंजीमी रवाबित भी हैं हमारे, हिजबी रवाबित भी हैं हमारे, पार्टी के रवाबित भी हैं हमारे, मुल्की रवाबित भी हैं हमारे, इलाकाई रवाबित भी हैं हमारे, नस्ली रवाबित भी हैं हमारे, रंग के रवाबित भी हैं हमारे, लिसानी रवाबित भी हैं हमारे, जन्म के रवाबित भी हैं हमारे, और अनवा व अकसाम के जोग्राफियाई रवाबित हमारे मौजूद हैं। खूब खुदा हमसे रवाबित इंसानी मांगता था, हमें खुदा ने रवाबित इंसानी के लिए खल्क किया है, हमारे रवाबित हैं बरकरार। कौन इंसान है जो इन रवाबित में मुंसलिक ना हो। कुरान ने यकसर नफी की है इनकी, तुम्हारी जबिल्लत में है रवाबित रखना, लेकिन वो रवाबता जो तुम्हें मकसद नहाई तक पहुंचाता है वो रवाबित तुम्हारे अंदर मौजूद नहीं। तुम सारे रिश्तों में मुंसलिक हो, लेकिन वो रिश्ता जो खुदा ने तुम्हारे लिए मुकर्रर किया है तुम उस रिश्ते में मुंसलिक नहीं हो। और इंसान को हमेशा यही से आकर जिक उठाना पड़ती है कि जब खुदा के मुकर्रर करदा रास्ते से दाएं या बाएं हो जाए, मुनहरिफ हो जाए। अल्लाह हमने इख्तियारन ये सफर इख्तियार किया है, खुदा से चाहा कि हम खुद जाएंगे, खुदा ने हमें बता भी दिया कि ये पुरखतर रास्ता है, उसके बाद हिदायत भी सारी दिखला दी, लेकिन उस हिदायत के दिखलाने के बावजूद हम या दाएं में हैं या बाएं में हैं, आज तक सिरात मुस्तकीम पर आ नहीं सके हम, सिरात अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम पर आ नहीं सके हम। यानी वो रवाबित हम आज तक नहीं बरकरार कर सके जिन रवाबित के जरिए हमें यह सफर तय करना चाहिए। और जब भी हमें कोई मुश्किल पेश आई है, जब भी हमें जवाल आएगा, जब भी हमें कोई जिक उठानी पड़ेगी, जब भी हमें कोई मुसीबत उठानी पड़ेगी, जब भी कोई आफत नाजिल होगी किसी पर, यकीन जान ले कि वो कुरान का रास्ता छोड़ने की वजह से है, ये तयशुदा बात है। असर अंबिया में देख लें, लोगों ने जब भी अंबिया का रास्ता बताया हुआ छोड़ा, उसी दिन से उन्हें अजाब का सामना तदरीजन करना पड़ा। जिस दिन लोगों ने आइम्मा का बताया हुआ रास्ता छोड़ा, ये जिल्लत और बदबख्ती का शिकार हुए, और ये जिल्लत और बदबख्ती ये जारी है जब तक उस राह कुरानी पर नहीं आ जाते हम वापस। हम अपने तौर पर तो मुद्दे ही बहुत खुश हैं, लेकिन आया हकीकतन हम उस सिरात कुरान पर हैं या नहीं, उस सिरात मुस्तकीम पर हैं या नहीं।
वो वादी जो अल्लाह ने मुकर्रर की, वो रास्ते जो अल्लाह ने मुकर्रर किए हैं, उन पर हैं या नहीं हम, यही मकसूद है यहां पर। इस आईने में यही देखना है हमें। मुमकिन नहीं है कि इंसान इतना जवाल का शिकस्त हो जाए, इतना जवाल और शिकस्त से दुचार हो जाए। आज हर एक के जहन में एक सवाल है, मुसलमान क्यों पसमानदा है, मुसलमान क्यों बेचारे हैं, ये उम्मत मुसलमा पूरी, यहां तशय्यों की बात नहीं हो रही, पूरी उम्मत मुसलमा क्यों दो चारे जवाल है। चले हम न सही, दूसरे भी तो ऐसे ही हैं, सब के सब ऐसे क्यों। हर एक के जहन में एक सवाल की अलामत सुबह शाम जहनों में है। हम अपने गुफ्तगू में, अपनी महफिलों में, अपने बोलचाल में इसी पर तबादला ख्याल करते हैं। जी मुसलमान यूं हो गए चूंकि महंगा बेचते हैं, मुसलमान खराब हो गए चूंकि वो यूं करते हैं, मुसलमान ये हो गए यूं करते हैं, यूं करते हैं। हर एक ने अपने जहन में कुछ न कुछ नक्शा, कुछ न कुछ अवामिल ढूंढे हुए हैं, तलाश किए हुए हैं। असबाब जवाल उम्मत मुसलमा, ये खैरुल उमम, ये आज इस तरह जलील क्यों है, ये क्यों बदबख्त हैं, क्यों दूसरों के मोहताज हैं, ये इसके क्या असबाब हैं। और फिर उनमें खुसूसन हम अपने आप को ले लें। सारे हालात आपके सामने हैं, आलमी सतह पर आपके सामने है, मुल्की सतह पर आपके सामने है, आपका शहर आपके सामने है, आपका महल्ला आपके सामने है। हम क्यों इस सरनविश से आज दो चार हैं। हर एक के जहन में एक सवाल है, हर एक कुछ ना कुछ सोच रहा है। एक ही उसका जवाब है, वो ये कि हमने राह कुरान ही छोड़ दिया। हम तमाम रिश्तों में मुंसलिक हैं सवाए उस रिश्ते के जो खुदा ने हमारे लिए मुकर्रर किया है। वो रिश्ता क्या है, वो ये रिश्ता ये इमामत व उम्मत है। इसी की खातिर हम यहाँ पर जमा हुए हैं इस माह मुबारक में, कि खुदावंद तबारक तआला इंशाअल्लाह तौफीक दे कि मजीद इसको आपकी खिदमत में वजाहत के साथ अर्ज कर सकूँ। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। साहब आपने कल अपनी हर एक को अपनी अकल से सूझबूझ से तफसीर करनी चाहिए और अपनी अकल पे मतलब जो है अकल से कोई फैसला करना चाहिए, तो हर इंसान की एक लिमिट होती है अकल की। हर इंसान अगर अपने अपने हिसाब से सोचने लगा तो इस दीन का जो कि मतलब एक कामिल दीन है, इसका कोई और ही नक्शा नहीं निकलेगा। आगा साहब ने कल की गुफ्तगू के बारे में सवाल उठाया, वो ये कि कल अर्ज हुआ था आपकी खिदमत में कि हमें हर बात सुननी चाहिए लेकिन मानने के लिए अपनी अकल से काम लेना चाहिए, और जिसकी अकल तायद करे, तस्दीक करे, उसको मान लेना चाहिए, जिसकी ना करे उसको हमें छोड़ देना चाहिए। तो आगा साहब ने इसी पर सवाल उठाया है कि अगर हम अकल के इख्तियार में अपनी जमान दे दें तो अकल तो हर एक की सही नहीं है, कामिल नहीं है, नाकिस है, और नाकिस अकल को अगर हम इख्तियार दे दें और वो फैसले करे तो फिर तो वो हमें किसी को उधर भेज देगी, किसी को इधर भेज देगी, फिर भी नतीजा सही नहीं निकलेगा। खूब माकूल सवाल है और अकल की नक्श के बारे में है, लेकिन है खुद भी अकली सवाल है कि अकल नहीं उठाया है ये सवाल, उसी नाकिस अकल नहीं जिसको आपने कहा कि नाकिस है। लेकिन पहले एक नुक्ता अर्ज करूं कि इतने मुख्तसर से सवाल और जवाब के वक्फे में एक सवाल का जवाब भी अगर मैं दे पाऊँ तो बड़ी बात है, अपने लिए बड़ी बात समझता हूँ मैं, लेकिन आपको तवक्को होती है कि इस वक्फे में ज़्यादा से ज़्यादा सवालों का जवाब दिया जाए। एक ख्वाहिश मेरी ये है कि अगर यहाँ फुर्सत नहीं होती, आप अपने सवाल ज़रूर सवाल जहन में उठाएँ और लिख लें उनको और दे दें गुफ्तगू के दौरान। उन सवालों का इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जो पहला वक्त एक घंटा गुफ्तगू का होता है उसी में सवालों को भी किसी हद तक जवाब दे दिया जाए, जो सवाल इस तरह वक्फे में नहीं जवाब दिए जा सकते। और सवाल के बारे में ये कि सवाल ज़रूर उठाएं जहन में, ये अतिया इलाही है, पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ आपकी खिदमत में, ये दैन खुदावंदी है, इसको ना ठुकराएं। अगर जहन में आता है तो आने दें इसको और मुंतकिल करें, जबान पे लाएं, कागज़ पे लाएं, पूछें इसको, वरना ये शक बन जाएगा, ये शुबहा बन जाएगा, ये मुश्किल आपके लिए खड़ी कर देगा ये। और सवाल के बारे में तो इतना कहा गया है कि सवाल कलीद इल्म है, मिफ्ताहुल इल्म, अस्वालो मिफ्ताहुल इल्म, अलबत्ता सही सवाल, ये इल्म की चाबी है। सवाल एक बंद दरवाजा है, आप चाबी लगाएंगे तो खुलता है, लेकिन चाबी से जो दरवाजे खुलते हैं तो वहां एक कानून भी होता है। बाज़ औक़ात आप
अपने घर में जाते हैं तो आपने चाबी, चाबी का साइज बहुत छोटा सा होता है, एक आधी उंगली जितना चाबियां होती हैं, उस चाबी को आप खोलें तो कभी छोटा सा हाल खुलता है, दरवाज़ा खुलता है आप पर, कमरा छोटा सा, और कभी बहुत बड़ा हाल छोटी सी चाबी से खुलता है। मसलन आप इस हाल में आए, ये दरवाज़ा चाबी से खुला है, लेकिन जो ही चाबी आपने घुमाई, जो आप पर फजा खुली है आगे, वो चाबी जितनी नहीं है, चाबी आधी उंगली जितनी है, और ये हाल बहुत बड़ा है। तो फिर ताज्जुब नहीं करना चाहिए कि ये छोटी सी चाबी से इतना बड़ा हाल कैसे खुल गया है। लिहाजा अगर सवाल छोटा हो जवाब बड़ा हो तो ना कहें कि हमें सवाल जितना जवाब चाहिए, आधी उंगली का सवाल किया था आधी उंगली का जवाब चाहिए ना। बाज आप चाबियां ऐसी घुमाते हैं कि बड़े हाल खुलते हैं उन पर, जब बड़े हाल खुलते हैं तो फिर हौसला होना चाहिए उस बड़े हाल में घूमने का, और बड़े हाल में सुनने का भी फिर इंसान में हौसला होना चाहिए। ये सवाल ऐसे हैं, मैंने कहा ना कि आपने अकल को कहा अकल नाकिस, लेकिन उसने इतना माकूल सवाल आपके लिए उठाया है। खूब सवाल ये दुरुस्त है अपनी जगह पर कि हमारी अकल है नाकिस, और अगर हम अपने अकल को काजी बना दें तो वो हमारे लिए जो फैसले करेगी किस हद तक काबिले इत्मीनान है। ये सवाल बुनियादी तौर पर इस बारे में है कि हमारे पास शनाख्त के जरिए क्या है, मार्फत और इल्म हासिल करने के जरिए क्या है। बहुत बुनियादी बात है, बहुत बुनियादी तरीन सवाल है। यानी अगर हमें दीन शनासी की गुफ्तगू मंतकी तरीके से और लॉजिकली शुरू करनी होती तो हम यहीं से शुरू करते कि इंसान के पास, इंसान शनासी ही की बात है कि इंसान के पास मार्फत हासिल करने के कितने तरीके हैं। अब शर्क व गर्ब में मुख्तलिफ मजाहिब हैं, मगरब में बाज ऐसे लोग हैं जिनके नज़दीक, जो उन्होंने एतकाद रखा है और अकीदा भी अपनाया है कि इंसान के पास इल्म और मार्फत हासिल करने के लिए सिर्फ हवास हैं, ये पांच हिस्से हैं हमारी, देखने की हिस, सुनने की हिस और सूंघने की हिस, चखने की हिस, छूने की हिस, ये पांच हिस्से हवास खमसा इनको कहते हैं, ये तो जानते हैं हम सब। बास जो मगरबी उलमा या हुकमा हैं उनके नज़दीक इंसान के पास फकत ये पांच जरिए हैं कि हिस्सी इल्म इंसान हासिल कर सकता है, इसके अलावा कोई तरीका इंसान के पास इल्म हासिल करने का मौजूद नहीं है। लिहाजा जो चीज़ देखने में आती है मान लो के है, जो चीज़ सुनने में आती है मान लो के है, जो चीज़ सूंघने में आती है समझ लो के है, जो चीज़ चखने में आती है समझ लो है, जो चीज़ छूने में आती है समझ लो है। लेकिन अगर एक ऐसी चीज़ की पता कोई दे आपको, मसलन अगर कोई आकर के फरिश्ता है तो आप पूछो उससे कि दिखाई देता है, अगर वो कहे दिखाई देता है तो मान लो, मान लो से मुराद नहीं फिर उसको कहो कि दिखाओ मुझे, ना ये कि वो कहे कि दिखाई देता है लेकिन दिखाए ना, हाँ उसे कहो दिखाओ मुझे, अगर दिखा दिया मान लो, दिखाई नहीं देता उसे पूछो सुनाई देता है, आप कहे नहीं सुनाई भी नहीं देता, अगर वो कहे चखने में आता है, सूंघने में आता है, छूने में आता है, अगर वो पांचों में कहे ना नहीं हो सकता तो समझो कि वो मौजूद ही नहीं, वो सिरे से मौजूद नहीं है। लिहाजा पहले कदम पर आकर खुदा का इनकार कर देते हैं माजल्ला, क्यों, जब आप उनको कहते हैं खुदा है वो फौरन उनके जहन पर सवाल आता है, वो खुदा है बताओ दिखाई देता है, आप कहते हैं नहीं, फिर वो कहते हैं अच्छा सुनने में आता है सुनाई देता है, आप कहते हैं नहीं, अच्छा सूंघ सकते हैं नहीं, चख सकते हैं नहीं, छू सकते हैं नहीं, कहते हैं बस फिर है ही नहीं है इसका मतलब है, चूंकि जो चीज भी मौजूद है हम इन पांच हिस्सों के जरिए से उसको समझ सकते हैं, जब हमारी पांच हिस्से उस तक नहीं पहुंच सकती इसका मतलब है वो मौजूद नहीं। ये मंसूब तो मगरबियों से है लेकिन मशरकी ज्यादा इसके अकीदे के कायल हैं, मशरकियों के नजदीक अमल में मशरकी ज्यादा पाबंद हैं इस अकीदे के कि हिस से आगे कोई दुनिया है ही नहीं, महसूसात हैं फकत, ये मौजूदात मादी हैं जिस्मानी हैं, इनसे मावरा कुछ भी नहीं है। हत्ता मुस्लिमीन के अंदर, मुसलमानों के अंदर भी अमली तौर पर अगर आप देखें अक्सरियत, एक वाजी अक्सरियत अमली तौर पर, ना इतकादी तौर पर, अमली तौर पर ऐसे ही है, जो चीज़ उनको दिखाई नहीं देती नहीं मानते, मुश्किल से मानते हैं, असल समझ नहीं सकते उसको, जो सुनाई नहीं देती समझ नहीं सकते उसको, जो छू नहीं सकते समझ भी नहीं सकते उसको, लेकिन एतकादी तौर पर मानते हैं कि ना दुनिया इस मादियत और जिस्मानियत से भी बढ़कर है, वसीतर है। खूब अगर दुनिया उससे वसीतर है तो उस दुनिया को पहचानने के लिए हमारे पास क्या है,
हिस्से तो गैर जिस्मानी चीज को नहीं देख सकती, हमारे हवास, हवासे खमसा फकत जिस्मानी उमूर तक इनकी दस्तरस है, लेकिन कायनात जिस्मानियत से बहुत वसी है। अब उसके लिए फिर क्या होना चाहिए? उसके लिए अब उनके पास कोई और जरिया नहीं है, लेकिन आप उनको कहते हैं कि हमारे पास और भी जरिया है, और वो ये है अक्ल। खुदा ने हमें हवास भी दिए हैं और अक्ल भी अता की है। अक्ल हमें खुदा ने इसलिए अता की है कि जो चीज़ें हिस में नहीं आती या हिस में आती हैं उनकी मौजूदियत और उनकी मादूमियत का फैसला अक्ल को करना है। अक्ल एक और कुव्वत है इंसान के अंदर, वो नुक्ता इम्तियाज हैवान और इंसान के अंदर, क्योंकि ये पांच हिस्से तो हैवान में भी मौजूद हैं, वो देखता भी है, वो सुनता भी है, वो चखता भी है, वो सूंघता भी है, वो छूता भी है जानवर, लेकिन इंसान में ये पांच हिस्सों के अलावा एक कुदरत दीगर खुदा ने हमें दी है और वो है सोचने की कुव्वत, अक्ल। अगर ये पांच हिस्से ना भी हों तो वो अपनी जगह पर फ़ाल है, उसकी सरगर्मी जारी है। बस हमारे पास एक और जरिया भी शिनाख्त का मौजूद है, वो आया कितना काबिल एतमाद है कि सवाल भी आगा साहब का उसी के मुतालिक था। ये हिस्से आपकी देखने की कुव्वत, कितना एतमाद इस पर आप कर सकते हैं? करते हैं इस पर एतमाद या नहीं करते आप? अभी आप मुझे देख रहे हैं, इस अपने देखने पर आपको एतमाद है या नहीं है? कभी जब गैर मुतवक्के चीज आपके सामने आ जाती है तो फिर क्या करते हैं? बार बार आंखें मल के देखते हैं कि कहीं ख्वाब में तो नहीं हूं, आंखें ठीक काम कर रही हैं मेरी या काम नहीं कर रही, क्योंकि एतमाद नहीं रहता उस वक्त अपनी आंखों पर। अभी आप रास्ता चल रहे हैं, अपनी आंखों पर एतमाद है, मेरी बात सुन रहे हैं अपने कानों पर एतमाद है, बस आप इन हिस्सों पर एतमाद कर रहे हैं। यही जो आपकी हिस्सा है जिस पर अभी एतमाद कर रहे हैं आप, सुनने पर, देखने पर, सिर्फ इस देखने की कुव्वत को अगर ले लें, अभी मैं आपके सामने बताता हूँ ये कितनी गलतियां करती है। अभी बाहर निकल के देखें आसमान को, सितारों को नजर आएंगे आपको, कितने नजर आएंगे? छोटे 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 टिमटिमाते हुए दिए यूं ही नजर आएंगे ना आपको, आपकी उंगली के पीछे छुप जाते हैं, ऐसी उंगली की उंगली करें आंख के सामने सितारा छुप जाता है। होप इस सितारे की जसामत कितनी है ये तो आपको मालूम है, यानी इसका हकीकी वजूद कितना है? जमीन से भी कई गुना बड़ा, कोई सितारे लाखों गुना बड़े, कोई सितारे करोड़ों गुना बड़े, कोई सितारे इससे भी बड़े। ये मामूली सा सितारा है सूरज, इसकी जसामत जमीन के मुकाबले में देखें काबिले कयास नहीं है। ये इतने अजीम जुस्से वाले सितारे, हमारी आंख हमें क्या दिखाती है इनको? कि ये छोटा सा एक दिया है। अब आप बताओ कि ये आंख को, ये आंख पर एतमाद करना चाहिए या नहीं? आंख कहती है ये छोटी सी चीज है, तजर्बा कहता है ये बड़ी चीज है, दूसरों ने कहा ये बड़ी चीज है, आंख ने कहा ये छोटी सी चीज है, आपने किसकी बात मानी? आंख की बात मानी या दूसरों की? दूसरों की बात मान लिया, भाई ठीक है हमें छोटी नजर आती है लेकिन है नहीं ऐसी। आप ट्रेन की पटड़ी के बीच में खड़े हो जाएं और दूर तक उसको देखें, जहां तक हद निगाह तक उसको देखें, एक जगह पर जाकर वो दोनों पटड़ियां कैसे नजर आएंगी आपको कि आपस में मिली हुई है? कभी इत्तफाक हुआ है ना ट्रेन की पटड़ी के बीच में खड़े होकर देखें तो एक जगह मिली हुई है, उसी नुक्ते की निशानदेही कर लें, झंडक गाड़ के वहां पर वहां पहुंच जाएं, देखें कि वहां मिली हुई है या नहीं। जब वहां पर पहुंचेंगे तो आपने देखा कि वहां मिली हुई नहीं है। अब ये किसने कहा था मिली हुई है? आप दोस्त से पूछें आपने कहा था मिली हुई है, वो कहते हैं नहीं आपकी आंख ने कहा था कि ये मिली हुई है, आपस बस देखा कि गलती की उसने। आप एक और चीज, आप एक हाथ डालें ठंडे पानी में, बर्फ वाले पानी में फ्रिज से निकाल कर एक हाथ डालें आप गर्म पानी में, एक गर्म पानी गीजर से चूल्हे से उतार कर उसमें एक हाथ डालें, एक फ्रिज के पानी में डालें, दोनों हाथ डाल के बाहर निकाल के एक नॉर्मल पानी जो टूटी से निकाला है आपने उसमें दोनों हाथ डालें, समझ रहे हैं ना मेरी बात? एक हाथ गर्म पानी में, एक सर्द पानी में, दोनों हाथों को निकाल कर एक मोतदिल पानी में डालें आप, जो ना गर्म है ना सर्द है, ये दोनों हाथ एक ही पानी में हैं, ये दोनों हाथ क्या पैगाम दे रहे हैं? वो हाथ जो आपने ठंडे पानी से निकाल के डाला था वो ये कह रहा है ये पानी गर्म है, उससे पूछो कि पानी कैसा है, उसका पैगाम आ रहा है कि ये पानी गर्म है, चूंकि ठंडे से निकाल के डाला है ना इसमें, वो जो गर्म से निकाल के इसमें डाला था वो ये कह रहा है ये पानी ठंडा है। आप दोनों हाथों में से दाएं के बारे में एतमाद करें या बाएं पर?
दायां कह रहा है ये ठंडा है, बायां कह रहा है ये गर्म है, और मैं क्या कहूँ, ये गर्म है ये ठंडा है, दोनों में से एक सही नहीं कह रहा, या शायद दोनों सही नहीं कह रहे हैं ना ये चीजें। आप ये दूसरे मुल्क के इलाकों में, पंजाब वगैरह में हुक्का चलता है, यहाँ तो पान चलता है, वहां पर हुक्का चलता है। वो हुक्का जब गर्म करते हैं तो हुक्के पर आग जो रखते हैं उसको ऐसे घुमाते हैं, पहले वो शोला बनकर वो आग होती है एक छोटी सी, उसमें रख कर उसको फिर घुमाते हैं। अब वो शोला जब बन के घूमता है तो वो क्या नजर आता है हमें, दायरा, कि ये आग का दायरा है, हालांकि वो आग का दायरा नहीं होता, लेकिन आंख हमें बताती है कि ये आग का दायरा। ये बारिश जब बरसती है, ये बारिश जब बरसती है तो एक कतरा होता है जो ऊपर से नीचे आ रहा होता है, लेकिन हमें लाइन नजर आती है, एक खत, ऐसे ही देखते हैं ना बारिश को, हालांकि वो लाइन नहीं होती, एक कतरा होता है, लेकिन आंख हमें बताती है कि लाइन आ रही है, एक पूरा खत आ रहा है नीचे, हालांकि वो एक कतरा होता है। खूब इस तरह की जो खताएं आंख की शुमार की गई हैं, कितनी खताएं हैं, 800 खताएं सिर्फ आंख की हैं, सिर्फ आंख 800 खताएं करती है, उसके बावजूद हमें इस पर एतमाद है, फिर भी मानते हैं, 800 गलतियां करके फिर भी इमाम है हमारे लिए, फिर भी हुज्जत है हमारे लिए, फिर भी जो कहे हम उसको मानते हैं। बस आप कहते हैं ये झंडा है, कौन कह रहे हैं, आंख, मान लेते हैं आप, मैं अगर कहूँ नहीं टेलीविजन है तो आप नहीं मानते इसको, आप कहते हैं नहीं मुझे नजर आ रहा है ये झंडा है, फिर भी मानते हैं इसको। मकसूद क्या है, मकसूद ये है कि खुदा ने जो हमें शनाख्त के जो जरिए अता किए हैं, हिस्सी जरिए, जाहिरी जरिए, इनमें भी एक इनकी हालत ये होती है कि इनमें खता होती है, इनमें गलती होती है, लेकिन इनको गलतियों से बचाया जा सकता है। यही कि हमें पता है, जब सितारे को देखते हैं, देखते हुए छोटा सा नजर आता है, लेकिन उसी वक्त हमें यकीन है कि ये बहुत बड़ा है, यानी ये कि किसी तरीके से इसकी खता मालूम हो गई हमें कि यहाँ पर इसने खता की है। अगर 800 खताएं करती है तो 8000 या 8 लाख मरतबा खता नहीं भी करती, ये सारा जहान इसी के जरिए हम पर मुनकशिफ है। इसी तरह अकल भी है, अकल के जरिए हम बहुत सारी चीजों को समझते हैं, और अकल खता भी करती है, इसमें भी सही बात है, अकल खता भी करती है, लेकिन अकल को खता से बचाया भी जा सकता है, क्योंकि वो खाम अकल, जिसने कुछ पढ़ा नहीं, जिसने कुछ सुना नहीं, जिसने कुछ सोचा नहीं, जिसने कोई मशक नहीं की, जिसने कोई प्रैक्टिस नहीं की, उससे जरूर खता होगी। आप मसलन, आप बहुत सारे लोग इसमें से जो आप बड़े शायक हैं खेलों के, मसलन क्रिकेट का बहुत सारों को शौक है, लेकिन आप में से जो क्रिकेट खेल लेते हैं, बल्ला मार लेते हैं गेंद को, वो कितने हैं? वो एक तो मैं उन्हें मार सकता हूं, मेरे जैसे और भी होंगे चांदी, अलबत्ता मालूम नहीं होंगे, ये एक हौसन जान है मेरा कि होंगे इंशाल्लाह ऐसे जो नहीं मार सकते, लेकिन अगर चंद दिन आप प्रैक्टिस करें बल्ला लेके, एक हफ्ता, दो हफ्ता, एक महीना, यही जो आज गेंद को बल्ला नहीं मार सकते, एक महीने बाद देखें आपको कौमी टीम में शायद रख लें, इतना आपने तरक्की की, अपनी इस्तेदाद बढ़ाई, और वो खताएं जो करते थे बल्ला मारने में, वो खताएं आपने रोक ली हैं। इसी तरह अकल, वो अकल जो जामिद है, वो अकल जो कुछ भी नहीं सोचती, वो अकल जिसको खबर नहीं है, वो अकल जिससे काम नहीं लिया गया, वो बहुत खताएं करेगी, लेकिन जब इस अकल की तकमील हो सकती है, इसको अपने मेयार बताए जा सकते हैं, इसको आशना किया जा सकता है, इसको वो उलूम, वो फनून, वो सारी चीजें बताई जा सकती हैं, और उनके असास पर ये जब सोचना शुरू करे, इसकी खताओं की अदद में बहुत किल्लत आ जाती है, बहुत कमी आ जाती है, इतनी कमी आ जाती है कि फिर उसकी खताओं की तरफ एतना नहीं करते हम। बहुत सारी चीजें हैं ना जिनकी तरफ हम एतना नहीं करते हैं, उनमें माकूलियत होती है, लेकिन हम उनको लिहाज नहीं करते, कहते छोड़ो इसको, नजरअंदाज करो। मसलन खुदा ना खास्ता अभी हम यहां पर बैठे हुए हैं तो एक जलजला हो और ये सारी इमारत खुदा ना खास्ता गिर जाए, ये इहतमाल है अभी या नहीं है, ये यकीन है आपको कि नहीं हो सकता, ऐसे हो सकता है नहीं, तो इहतमाल है, हो अगर गिर जाए खुदा ना खास्ता तो क्या हशर होगा, उसके बावजूद आप बैठे हुए हैं यहां पर, क्यों बैठे हुए हैं?
اس لیے کہ آپ ان چیزوں کی اعتنا نہیں کرتے، چونکہ یہ احتمال ہے لیکن اتنا کمزور احتمال ہے کہ کوئی عقل مند آدمی اس کی اعتنا نہیں کرتا، اس کو خاطر میں نہیں لاتا، اس کو اہمیت نہیں دیتا، یہ اتنا ضعیف احتمال ہے. اگرچہ ہے روڈ پہ نکلے گاڑی خدا نہ خاصا ایکسیڈنٹ ہو جائے، احتمال تو ہے لیکن ہم پھر بھی جاتے ہیں. کیوں؟ کہ یہ اتنا کمزور احتمال ہوتا ہے کہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، کمزور احتمال ہے. بلکہ ایک عربی میں ایک ضرب المثل ہے کہ جب کسی کو بے وقوفی کی مثال دینی ہو، کسی کے حماقت کی مثال دینی ہو، جس طرح کہتے ہیں نا کسی کی جہالت کی مثال دینی ہو تو کہتے ہیں یہ ابو جہل ہے، ابو جہل جہالت کی ایک مثال بن گیا، نمونہ ہے. عربوں کے اندر حماقت کا ایک نمونہ ہے، کسی عرب اگر کسی کو کہیں یہ بہت بڑا بے وقوف احمق ہے تو وہ کہتے ہیں احمق من حبنکا، احمق من حبنکا، یہ حبنکا سے بھی زیادہ بے وقوف ہے. یعنی حبنکا ایک فرد تھا، بے وقوفی میں وہ ضرب المثل ہے. یہ کیوں ضرب المثل بن گیا بے وقوفی میں؟ کرتا کیا تھا؟ کرتا یہ تھا وہ کہ یہ چرواہا تھا، بھیڑیں چراتا تھا، اونٹ چراتا تھا سہارا میں، اور دن بھر یہ اپنے قمیض کا دامن اٹھا کر یہ سہارا میں گھومتا رہتا تھا. یہ تو لوگ اس کو پوچھتے تھے بھائی کیوں یہ سہارا میں دامن قمیض کا اٹھا کے کیوں گھوم رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نے سنا ہوا ہے کہ ایک پرندہ ہے اڑتا ہے فضا میں، اور اڑتے اڑتے انڈا دیتا ہے وہ، اور وہ انڈا جس کے گود میں دامن میں گر جائے وہ بڑا خوش قسمت انسان ہوتا ہے. کبھی ہم بھی اس طرح سے چکر لگانا شروع کر دیتے ہیں نا، یہ پروفیسر جو روڈ میں بیٹھے ہوتے ہیں کبھی ہاتھ دکھاتے ہیں جا کر، کوئی ایسا انڈا مرغی ہمیں بتاؤ کہ ادھر کوئی خوش قسمتی کی کوئی علامت نظر آتی ہے یا نہیں آتی. وہ بھی یہی کام کرتا تھا کہ جولی پکڑ کے، اپنا دامن پکڑ کے سہارا میں گھومتا تھا کہ کہیں وہ پرندہ اگر انڈا دے تو میں نیچے پکڑ کے مثلاً گھومتا رہوں اور میرے دامن میں گر جائے. خوب یہ ایک احتمال تو تھا کہ وہ پرندہ واقعاً ہو، ایک احتمال تو ہے کہ ہو ایسا پرندہ، ایک بہت کمزور احتمال. اور ایک کمزور سا احتمال یہ ہے کہ وہ پرندہ فضا میں ہی انڈا دیتا ہے اڑتے ہوئے، اور ایک بہت ہی کمزور احتمال یہ ہے کہ وہ پرندہ انڈا دے اڑتے ہوئے اور وہ اس کی جھولی میں آ کر گر جائے. وہ اسی کمزور احتمال کو پکڑ کر جھولی پکڑ کے ساری عمر گھومتا رہا. لوگوں نے اس کو حماقت کا نمونہ قرار دیا کہ احمق من حبنکا، یہ حبنکا سے بھی زیادہ بے وقوف آدمی جو اتنے کمزور احتمال کی بنا پر اپنی ساری عمر تلف کر رہا ہے. بس جو کمزور احتمالات کی اعتنا کرنا، پرواہ کرنا شروع کر دے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ بے وقوفی ہے، یہ حماقت ہے، یہ عقل مند نہیں کرتے. اب یہ اگر ایک آدمی چیخے مار کے نکل جائے یہاں سے، اس کو پوچھے بھائی کیا ہوا؟ کہتے ہیں جی وہ احتمال ہے زلزلہ آ جائے یہاں پر. آپ کہیں سبحان اللہ، یعنی اس احتمال کی بنا پر چیخنا شروع کر دیں یہاں، یہ تو بے وقوفی کی علامت ہے یہ، اور نہیں کرتا کوئی عقل مند آدمی، جیسا کہ نہیں کر رہے. بس صحیح ہے، عقل میں عقل ناقص ہے، تمام چیزوں تک اس کی دسترس نہیں ہے، یہ درست. لیکن اس عقل کو جب وہ تمام علوم، وہ تمام فنون، وہ تمام معیارات آشنا ہو جائے، چونکہ عقل دی ہے ساتھ خدا نے تعلم کا بھی ذریعہ کرا دیا کہ تعلیم بھی دی ہے، عقل ہونا کافی نہیں ہے، عقل کو تعلیم بھی چاہیے. جب یہ عقل بھی ہو اور یہ عقل تعلیم بھی پا جائے، اس عقل میں، اس تعلیم یافتہ عقل کو اگر کوئی چیز دیکھے تو وہ صحیح معیار کے تحت سمجھ جاتی ہے. یہ وہی آیت جو آپ کی خدمت میں پڑی تھی اور جس سے آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوا، اس میں ساتھ یہ ہے کہ بشر عباد الذین یستمعون القول و یتبعون احسنہ، بشارت دو ایسے انسانوں کو جو ہر بات سنتے ہیں اور اس میں سے بہترین بات کو انتخاب کر لیتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ خدا نے ان کو کہا ہے کہ بشارت دو میرے ان بندوں کو، یہ میرے بندے ہیں، یہ میرے عبد ہیں. اب یہ اہل قرآن و اہل تفسیر سمجھتے ہیں کہ کیا لطافت ہے اس جملے میں، یہ میرے انسان ہیں، میرے بندے ہیں، یہ ان کو بشارت دو. یہ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا مقام اتنا ہے کہ یہ ہر بات سنتے تو ہیں، اس میں سے بہترین کو انتخاب کر لیتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ بہترین کو انتخاب وہ کرتا ہے جس میں صلاحیت ہو بہترین کو سمجھنے کی، ورنہ وہ جو ہر قول کو کہے بہترین ہے، جو بات اس کے سامنے کہیں وہ کہے یہ بہترین ہے نا. ہمارے بزرگان میں بھی یہ مثال نمونہ موجود ہے. جناب شیخ انصاری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے جب یہ گئے نجف میں، حوضہ علمیہ نجف میں،
तो वहां पर कुछ मुज्तहिदीन फारिग तहसील हो चुके थे अपने उस्ताद से, और ज़ाहिर है जो हौजे में बैठे होते हैं जरा उनको थोड़ा गुरूर इल्मी होता है कि हम मरकज में हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, नया आने वाला कोई हो तो वो उसको इतनी खातर में नहीं लाते, चूंकि ये बाहर से आया है, पता इसको क्या पता होगा, हम हौजे में इतनी साल 20 साल 25 साल हमने उम्र सार्फ की है। तो शेख अंसारी का होलिया भी कोई इतना नहीं था, मेरी तरह ही था, यानी गुजारा था बस। बल्कि कहते हैं कि फोटो भी है, देखा होगा आपने बाज ने, कि शेख की एक आंख भी खराब थी और वो आंख से हमेशा पानी बहता रहता था। अब खुद आप देख लें कि एक आदमी जिसका होलिया मसलन ऐसा हो और फिर आंख भी एक खराब हो और उस आंख से पानी भी निकल रहा हो, तो देखने वाले का उसके बारे में तसव्वुर क्या पैदा होता है। वो तो कहते हैं ना कि ये तो पता नहीं कौन आदमी है, माजल्ला, हमारे जो जहरी नजरियात हैं। अब शेख अंसारी तो सुना हुआ है ना नाम आपने, कौन शख्सियत है, कौन हस्ती है। शेख अंसारी वो हैं कि जिनको पढ़कर इंसान मुज्तहिद फकीह बनता है, उस्तादुल फुकहा, उस्तादुल कुल, जो भी कोई नाम का भी फकीह है वो शेख के रहीने मिन्नत है, इतनी खिदमत है शेख की। ये जब हौज़ा इल्मिया नजफ में गए तो एक बहुत बड़े उस्ताद जनाब शिराजी, उनका दर्स हो रहा था, बड़े तलबा शागिर थे, और जब वहाँ से निकले बाहर, जाहिर सी बात है कि वो बड़े उस्ताद, बहुत बड़ा शागिर्द, बहुत बड़े, फिर कुछ को शेख ने, मरहूम शिराजी ने इज्तहाद की सनद भी लिख दी थी, कहा था कि ये तुम्हारे लिए सनद है, तुम मुज्तहिद हो गए, तुम्हें अब दर्स में आने की ज़रूरत नहीं। ये लोग गए, जाकर देखा कि एक इस होलिये का एक आदमी है, एक बोरी की अवा उड़े हुए है और एक मैला सा अमामा है सर में, एक आँख से पानी निकल रहा है, बंद है एक आँख खुली हुई है, दाढ़ी भी उस तरह की, होलिया उस तरह का, ये एक तालिब इल्म को पढ़ा रहा है। इनको थोड़ा सूझा कि चलो इसके साथ बैठते हैं, देखें क्या पढ़ाता है, लगता तो नहीं है कि इसको कुछ आता जाता हो, लेकिन बैठते हैं थोड़ा मसलन, क्या कहता है, बैठे जाके करीब, शेख ने दर्स पढ़ाया, इन्होंने देखा, तवज्जो की कि बहुत गहरा दर्स पढ़ा रहा है, फिर अगला पढ़ाया, फिर मुतवज्जे हुए कि नहीं आदमी लगता पढ़ा लिखा है कोई। बार कैफे इन्होंने उनका इम्तहान लिया, दर्स से फारिग हुए शेख, तो इन्होंने, ये जो मुज्तहिदीन सनद याफ्ता थे, इन्होंने शेख से पूछा कि अच्छा आज आप उस्ताद के दर्स में थे, शेख ने कहा हाँ मैं था, कहा कि बताओ आज जो उस्ताद ने गुफ्तगू की है, बात की है इल्मी, वो क्या थी। अब वो शेख ने उनको जवाब दिया कि वो ये था ये था ये था। अब इन्होंने पहली दफ़ा सुनी थी ये बातें सारी, बस इतनी इल्मी ज़िंदगी में ये जुमले ही नहीं सुने थे उन्होंने, एकदम हका बका रह गए कि ये क्या चीज़ें हैं। तो शेख से पूछा उन्होंने कि ये क्या है, इससे मुराद क्या है, तो शेख ने कहा कि 6 महीने मेरे पास दर्स पढ़ो, फिर तुम्हें समझ आएगी कि इससे मुराद क्या। फिर शेख ने उनके सामने कहा कि अब जब के तुम इस गुरूर में मुबतला हो, चलो मैं अब तुम्हारा इम्तहान लेता हूँ। उन्होंने कहा कि सनदें दिखाई अपनी कि हम मुज्तहिद बन गए हैं। शेख ने कहा अच्छा बताओ, एक मतलब छेड़ा शेख ने, कहा कि ये कैसा है, एक आयत मसलन, कहा कि इसका ये माना बनता है, कैसा है। उनका बहुत अच्छा है। शेख ने उस पर एतराज़ किया, कहा कि इस माना पर ये एतराज़ वारिद है, एतराज़ कैसा है। उन्होंने कहा एतराज़ भी ठीक है। शेख ने उस एतराज़ का जवाब दिया, कहा कि ये एतराज़ इसका ये जवाब बनता है, कैसा है जवाब। कहा कि जवाब बहुत अच्छा है। शेख ने फिर उस अपने जवाब पर फिर एक एतराज़ किया, कहा कि इस जवाब पर ये एतराज़ है। कहा अब, कहा कि ये एतराज़ भी ठीक है। फिर उस एतराज़ का शेख ने जवाब दिया, कहा अब, कहा ये भी ठीक है। तो शेख ने कहा कि देखो जो बात मैं करता हूँ, एतराज़ करता हूँ कहते वो भी ठीक है, जवाब देता हूँ तुम कहते हो।